जोर से बोल सकते जय मसीह की। आइए हम सब अपनी जहां भी खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए जो उन्होंने हमें देखने के लिए सहायता किया और उनके गृह में लेके आया है, हमें सुरक्षित रखा है, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब अपने हाथों को उठा के अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को कहे, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर के दिन के लिए परमेश्वर, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं सब कुछ के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर, अपने दिल की गहराई से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है परमेश्वर, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए जैसे कि हमें गीत को गाए परमेश्वर को आराधना करें, आइए हम सब अपने दिल से हम परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तू ही हमारा भरोसा है परमेश्वर, जब परमेश्वर हमें कोई सहारा नहीं देता परमेश्वर, पर तू सहारा बनकर परमेश्वर हमारे जीवन में आया, परमेश्वर हमें साथ दिया है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Yeah.
Yeah.
अमन कितने जन कहते परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो निर्बल के समय में हमें हमें सांस देता है, हमें बल देता है। उस परमेश्वर को फिर से और एक बार हम तालियों को बजा के इस गीतों के माध्यम से उसकी आराधना करें, जो कहते हैं आराधना तेरी हो और मेरी चट्टान तू है प्रभु। I'm blue, I'm blue.
तेरी आराधना हो परमेश्वर, परमेश्वर तेरी आराधना हो परमेश्वर हमारे कलीसिया में, परमेश्वर तेरी स्तुति और प्रशंसा हो परमेश्वर सर्वदा, परमेश्वर परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हमारे निर्बल के समय में परमेश्वर आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपने हमें बल दिया, परमेश्वर आपने हमें मेरे सभी के साथ रहा, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आइए जैसे कि हम एक गीत गाए परमेश्वर को कहे, परमेश्वर तू ही हमारी आशा है परमेश्वर, जब कोई मनुष्य हमारे साथ नहीं देता परमेश्वर, पर तू एक आशा बन के हमारे पास आया परमेश्वर,
इसके बाद शाम को 4 बजे इंग्लिश सर्विस रहेगा
और उसके बाद बंगाली सर्विस रहेगा। और हमारा एक ब्रांच है काचलापाड़ा में, जहाँ पे बंगाली में सर्विस होता है शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक। और ये हम लोग बहुत बार सुने हुए, पर हम लोग के हर दिन सुबह सोमवार से लेके सैटरडे भी यहाँ मॉर्निंग में कुछ सुबह 5 बजे जूम के द्वारा। तो आप जहाँ पे भी, आप अपने घर से या बाहर बाहर कहीं जा रहे हैं, आप लोग कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं जूम के द्वारा हमारे स्मॉल डिवोशन में, जहाँ पे हम लोग बाइबल के बारे में परमेश्वर के वचन से और भी सीखते हैं, परमेश्वर बातें करते हैं, परमेश्वर की महिमा। और जो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है इस कॉल 1000 डेज ऑफ रिवाइवल प्रेयर, एंड टुडे इज द 974th। एनीबॉडी इन हिंदी 974 वा दिन है। और इस ग्रेट दिन परमेश्वर ने आने के लिए सहायता किया और एक बार जुड़ने के लिए सहायता किया, और परमेश्वर ने अभी तक साथ दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बिकॉज हम लोग इस टॉपिक पे है हमारा 1000 डेज, सो ऑलरेडी वी आर बहुत करीब है हमारे 1000 डेज का। और जो हमारा जो लक्ष्य है 1000 डेज, इज नॉट उतना भी दिन बाकी नहीं है। मार्च 11 इज दी 1000 डेज, 1000वां दिन है। और हम लोग हम चाहते हैं दैट्स अ बिग सेलिब्रेशन फॉर हमारा कलीसिया सभी के लिए, क्योंकि इट्स अ माइलस्टोन जो हम लोग क्रॉस किए हैं, विल बी क्रॉसिंग। और हम लोग विश्वास से अभी तक परमेश्वर ने साथ दिया है, आगे भी परमेश्वर साथ देंगे विश्वास से। 11th मार्च वी आर हैविंग अ बिग सेलिब्रेशन हमारे कलीसिया में। सो आप लोग प्लीज मेक टाइम, समय बनाइए, कमिटमेंट्स जो भी है प्लीज थोड़ा इधर उधर कीजिए, पर यहाँ पे आइए, हम लोग के साथ आराधना कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उनके धन्यवाद कीजिए। हम लोग मिलकर समय बिताएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में 1000वां दिन रिवाइवल प्रेयर में, जो होने वाला है मार्च 11 को। और हम लोग थोड़े वीकली अनाउंसमेंट्स पे ध्यान देंगे, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स है तो प्लीज थोड़ा ध्यान इधर रखिएगा। और कल सोमवार मंडे दोपहर को 3 बजे सिस्टर मलिका के घर पे हाउस फेलोशिप रहेगा, और शाम को 6 बजे रहेगा गॉस्पेल टू द कम्युनिटी न्यू अलीपुर पे। जैसे हम लोग कुछ हफ्ते से हम लोग बोल रहे थे गॉस्पेल टू द कम्युनिटी, जहाँ पे हम लोग सुसमाचार को, बहुत समय लोग नहीं आते हम लोग के साथ कलीसिया में, क्योंकि चर्च सुन के लोग नहीं आना चाहते, या संडे कौन सुबह सुबह आएगा या शाम को कौन आएगा, सोना होता है, लाइक कभी कभी ऐसे होता है काम हो सकता है, सो बहुत समय ऐसे नहीं आते पे चर्च में। तो हम लोग क्या करेंगे, गॉस्पेल टू द कम्युनिटी जैसे हम लोग शुरू किया था कस्बा में पिकनिक और लास्ट मंथ, हम लोग फिर से कर रहे हैं न्यू अलीपुर में, जहाँ पे हम लोग इस परमेश्वर के सुसमाचार को जो हमें मिला वो हम लोग जाके लोगों को दे रहे हैं, और न्यू अलीपुर के लोगों को। सो हम लोग कल शाम को 6 बजे से इस शुरू होगा न्यू अलीपुर में, और इसमें आप सभी का हम लोग को थोड़ा जरूरत है, वी बी नीडिंग यू इन प्रेयर। आप अपने घर पे बैठ के कहीं भी आप प्लीज हम लोग के लिए प्रेयर कीजिए, 6 से 8 बजे तक सारे चीन प्रेयर जो करते हैं वो लोग करेंगे। और साथ ही साथ इफ यू हैव टाइम, अगर आप समय निकाल सकते हैं प्लीज कल शाम को 6 से लेके 8 बजे तक स्पेशली इस जो पूरे सर्विस को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, परमेश्वर के सुरक्षा के लिए, उनके होली स्पिरिट के कंट्रोल में हर एक चीज होने के लिए। कल का दिन इस समय परमेश्वर बहुत महान काम करने के लिए लोगों के जीवन में, हम लोग मिलकर 6 से 8 बजे हम लोग प्रार्थना करेंगे, और जो भी टीम जाएंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ट्यूजडे मंगलवार सुबह 6:30 बजे सुबह 5 बजे हम लोग का मॉर्निंग डिवोशन रहेगा, ठीक उसके बाद 6:30 बजे ब्लेस इंडिया प्रेयर रहेगा फेसबुक लाइव के द्वारा। तो आप लोग सब जुड़ सकते हैं फेसबुक लाइव, जो हम लोग का टीम हम लोग प्रेयर करेंगे, आप लोग हमें फेसबुक लाइव के द्वारा जुड़ सकते हैं, मिलकर हम लोग अपने भारत देश के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं इस हफ्ते। और शाम को 5:30 बजे मेरे घर पे हाउस फेलोशिप रहेगा जूम के द्वारा, और 6:30 बजे भाई पीटर दास के घर पे हाउस फेलोशिप रहेगा। बुधवार वेंसडे शाम को 6:30 बजे बाइबल स्टडी रहेगा जूम के द्वारा, और थर्सडे शाम को 6:30 बजे वुमेन्स फेलोशिप रहेगा जूम के द्वारा। फ्राइडे सुबह 10 बजे वीकली फास्टिंग प्रेयर रहेगा, सैटरडे नहीं, फ्राइडे सुबह 10 बजे वीकली फास्टिंग प्रेयर रहेगा कलीसिया में, तो आप लोग आ सकते हैं। और उसी के साथ साथ रात को 10 बजे ऑनलाइन प्रेयर रहेगा, तो आप लोग रात को 10 बजे ऑनलाइन प्रेयर रहेगा, तो सभी लोग जो हमें सुबह जुड़ सकते हैं शाम को ऑनलाइन प्रेयर के लिए जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग 10 से 4 बजे तक। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे होता है रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक समय कैसा बीतता है, कैसे जाता है,
प्लीज आइए, प्लीज देखिए कैसे होता है। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और इसके साथ साथ सारे योर मेरिकल टाइम जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग जुड़ते हैं अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, प्लीज हम लोग के साथ जुड़िए इस योर मेरिकल टाइम में। परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में आशीष करेंगे। सैटरडे 4 बजे चिल्ड्रंस क्लब रहेगा कलेशिया में, सारे बच्चे लोग जुड़ सकते हैं। शाम को 7:30 बजे सारे चेंजेस सारे यूथ हम लोग जुड़ सकते हैं चेंजेस कनेक्ट में कलेशिया में। और 7:30 बजे भाई कोकन समर्थक के घर पे कॉन्सोलेशन रहेगा जूम के द्वारा। और उसके साथ साथ हमारा 24 आवर्स चेन प्रेयर और अग्रिम प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट जो लोग कर रहे हैं हमारे कलेशिया में वो भी चल रहा है। प्लीज आप लोग करते रहिए, विश्वस्त से आगे बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। और वाटर बैप्टिज्म सर्विस इस महीना के लिए is on the 24th of February, 24 तारीख को। तो सारे लोग जो इंटरेस्टेड है या जानना चाहते हैं कि होता क्या है वाटर बैप्टिज्म, प्लीज आप सर्विस के बाद आके मेरे से बात कर सकते हैं या पास्टर से बात कर सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आइए इन सारे इवेंट्स को, सारे सर्विसेज को, सभी को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए सभी के ऊपर हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और ये जो समय है जब हम लोग परमेश्वर अपने दान और दशमांश देने जा रहे हैं, आइए अपने दान दशमांश हम लोग हाथों में लेंगे। हम लोग परमेश्वर को देने से पहले आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। और एक बार परमेश्वर आपने आने के लिए सहायता किया, जुड़ने के लिए सहायता किया, आपको धन्यवाद देते हैं। आज के समय जो आपने दिया, आपके सारे बच्चे लोग को परमेश्वर एकत्रित किया, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हर एक सर्विस, हर एक इवेंट प्रभु इस पूरे हफ्ते आपके के हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर प्रभु। आप परमेश्वर चलाने के लिए हर एक भाग, हर एक लोगों को आप देखने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आप संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी निगरानी में करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं जो हमारा गॉस्पेल टू द कम्युनिटी सर्विस परमेश्वर मंडे को, सोमवार को प्रभु, परमेश्वर उसको भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर स्पेशली प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय जो परमेश्वर आपके लोग, आपके बच्चे परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं प्रभु, दान की रीति में, दशमांश की रीति में आप उनको आशीष करने के लिए प्रभु, उनके भंडार को आशीष करने के लिए प्रभु, उनको परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आप ही के हाथों में समर्पण करते हैं, हर एक भाग आने वाले सभी चीजों को आप ही के हाथों में समर्पण करते हैं। और एक प्रार्थना में भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए आप कह कीजिए, आमेन आमेन। इस समय जब हमारे कोयर एक गीत को गाएंगे, हम अपने दान अपने दशमांश को दे सकते हैं। अगर आपको एनवेलप खाम का जरूरत है, अपने हाथ को उठा सकते हैं, हमारी टीम आपको मदद करेगी। थैंक यू। Yeah.
योग अनुयुक्त जीवित प्रभु धन्यवाद के योग्य परमेश्वर तू ही है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद के दान के द्वारा आराधना करने से पहले हम सब कोई अपने स्थान पर खड़े हो जाए और प्रभु के किया हुआ उपकार के लिए हम उसको धन्यवाद देना शुरू करें। पिछले एक हफ्ता प्रभु ने जो अद्भुत रीति से हमें संभाल कर रखा, हमारे हाथों को थाम कर रखा, हर बुराई से रक्षा किया, हमें बचा कर रखा, ये हम सब कोई प्रभु को धन्यवाद दें। एक बार सोच कर देखे, अगर प्रभु हमारा साथ नहीं होता, अगर प्रभु हमारी रक्षा नहीं करता, अगर प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, तो आज आप और हम कहाँ होते। हमारा कितना जो अच्छा है परमेश्वर, जो हमारा प्रार्थना को सुनता है, हर परिस्थिति में हमारे हाथों को थामता है, हमारे पुकार को सुनकर वह हमें जो संकट से जो खींच कर निकालता है। हालेलुया, प्रभु तेरे धन्यवाद धन्यवाद। पिछले एक हफ्ता प्रभु ने जो कुछ भलाई आपके जीवन में किया, वे सारे भलाई को सब जो स्मरण करते हुए अपने जुबान से स्वीकार करते हुए उसके धन्यवाद दे, धन्यवाद दे प्रभु को। हालेलुया, जैसे कि हम गीत को सुने हैं कि धन्यवाद के योग्य वही है, धन्यवाद के योग्य वही है जो परमेश्वर पिछले एक हफ्ता हमारे सारे जरूरतों को पूरी किया, हमारे आश्रय बन कर रहा, हमारा बल बन कर रहा, हमारा गढ़ बन कर रहा, हमारा चट्टान बन कर रहा, हमारा सहायक बन कर रहा, हमारा जो आश्रय बन कर हमें जो रक्षा करते आया है। हालेलुया प्रभु, तेरे धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, तू सारे स्तुति के योग्य, तू सारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, ओ धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति तेरे ही हो प्रभु, महिमा तेरे ही हो राजा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। आइए अभी हम जो विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि कुछ परेशानी के बीच से गुजार रहे हैं, कुछ संकट में हैं, उन लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रार्थना का जरूरी है, परमेश्वर का स्पर्श को आपको महसूस करनी है, तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे बहन मौसमी विलियम के लिए जो अपना जन्मदिन मनाने जा रही है 17 तारीख को। तो मैं अनुरोध करूंगी कि बहन मौसमी आप सामने आ जाए, हमारे पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब कोई, जबकि बहन मौसमी सामने आ रहे, आइए हम सब कोई हमारे जीवन को सर्विस को और जिनके जीवन में प्रभु का स्पर्श की जरूरत है, उन सभी को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया, कहीं शबल कर प्रार्थना करें, अपना हाथ को, हालेलुया, अपना हाथ को उठाए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के हाथों में हमारा जीवन को समर्पण करें। हालेलुया, प्रभु से कहें कि प्रभु जबकि हम आपकी उपस्थिति में आए हुए हैं, प्रभु आप हमारे साथ बातें कीजिए। खुदावन परमेश्वर, हम में से प्रभु जितने जन प्रभु आज स्थान पर मौजूद है, प्रभु सभी को आप छू लीजिए परमेश्वर। जिन लोग तकलीफ के बीच से गुजार रहे प्रभु जी, ओ प्रभु उन्हें छू कर प्रभु जी छुटकारा को प्रभु आप दीजिए परमेश्वर। प्रभु ऐसा कर रहे हैं, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हम लोग आंखों को बंद करें और इनके जीवन के लिए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु के लिए एक जीवन सही जीवन इनके जीवन में इस साल, प्रभु के लिए गृहणियों के जीवन में लेकर प्रभु आपके बेटे का छू लीजिए, आपका सामर्थ्य शक्ति को तेरे सामर्थ्य शक्ति रे बाबा 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 शखा बाबा रा बाबा बाबा शदरे फरगो अब इनको छू लीजिए परमेश्वर, आपके सामर्थ्य के हाथ इनको धन्यवाद रा बाबा रा बाबा बाबा शखा बाबा बाबा साल एक अनुग्रह का साल हो जाए, एक आशीष का साल हो जाए, फलियों के साल हो जाए, प्रभु के निकट आने का एक साल हो जाए। आशीर्वाद कीजिए, हर पाप अपराध को क्षमा करें, प्रभु के लिए ग्रहणियों के जीवन जीने के अवसर दें, जब मिलकर कलेश हाथ उठाए, पिता पुत्र पवित्र नाम से आशीष करें, साल पूरा आप सुरक्षा रखिए परमेश्वर, हर दुर्घटना से रक्षा करें, हर महामारी मृत्यु से शत्रुता से रक्षा करें, परिवार का आशीष यीशु के नाम से,
यीशु के नाम से प्रार्थना।
आज सुंदर दिन वे ऑलरेडी फोर्थ सर्विस है आज चार नंबर सर्विस आ जाए आमेन ऑलरेडी सुबह से लेकर टांग के सर्विस चल रहे हैं आई नो एवरी सर्विस में प्रभु नया शक्ति नया बल से प्रभु में भर रहे हैं आमेन और जितने लोग आप लोग समय निकल कर आए हैं प्रभु आपको आशीष करेंगे आमेन लास्ट वीक कितना व्यक्ति के लिए अनुग्रह का वीक था एंड मेनी पीपल उपवास और प्रेयर किया था यू नो कितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी किया था लास्ट वीक आई वांट टू सी अ हैंड प्लीज ओके मेनी पीपल फास्टिंग किया था आमेन उपवास और प्रार्थना किया आई लव टू नो आई नो सम पीपल का रिस्पॉन्स हम जानते हैं आप लोग बहुत अच्छा था बट हम आने वाले दिन में पूछना चाहते हैं कैसा आपका स्पिरिचुअल जर्नी चल रहे हैं है कि नहीं हम लोग इस मंथ में परमेश्वर ने वादा किया था दिस मंथ प्रभु ने प्रॉमिस किया था मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतर की एक महीना है कितने दिन का चेंज अच्छा लगता है चेंज कितने दिन का अच्छा लगता है चेंज मेकओवर ब्यूटी पार्लर का वर्तमान क्या है मेकओवर रूपांतर चेंज कितने दिन का अच्छा लगता है चेंज आमेन ठाक माता लोग रहती हरे ये भी पड़े That is a change. अबे पास्टर आपने ये चिंता पार्चने क्यों हो? आगे चूल चूलो एक न चूल चूल लगना एक न चूल इटा वीक मार दिया ये जिस पे ये वीक पड़े से जिन्दा अब तो बड़ा होय नहीं बन एनीवे उसके बाद चेंज ऐसा लगता है कई बार के बोला था पास्टर आपको तो पूरा बाल तो पूरा क्या हो गया हम बोले तुमसे ज्यादा बूढ़ी बूढ़ी लोग यहाँ बैठा हो गया सब क्या किया है मेहंदी बना के सब रेडी करके ट्रन कर रहे सच बोल रहे नहीं सही नहीं बोल रहे हम तो जैसा है वैसा आया इन लोग सब क्या करते हैं इन लोग का टेंशन ही यही है हम राइट आर रॉन्ग सच बोल रहे कि नहीं यंगस्टर्स पीपल सही है कि नहीं तुम भी ऐसा करते हो मम्मी बहुत स्टाइल करके मेरे जाता था बाल काटने के लिए भैया पूछता था भैया ज्यादा काटो मत थोड़ा काटो घर में आता था पापा देखते हैं 5 रुपये इसका दिया अभी भी अगला महीने में इसका बाल काटना बेच रहा है पापा आवाज लेके जाते हैं आवाज दुकान में सही दुकान में क्यों दादा अरे तुम्हें छूल करना चलो बालों का काटो ऐसा आवाज जाके बैठेगा वो पूरा अभी पूरा देख लिया चेंज कितना लोग ऐसा हुआ है मार को कभी उठा के लेके गया यू टू क्यू आई लाइक इट सी अभी तक लेके जाते हैं अभी नहीं होते वो उठा के आपको लेके जाएगा तो ऐसा पप्पा लोग है मेरा पापा का टेंशन क्या नहीं था छोटा बड़ा में फर्क नहीं है अबार झूल क्या हो जाएगा 10 दिन में अबार 5 रुपया मांगेगा झूल करने के तो यही टेंशन था तो वो मेकअवर था तो पहले चेंज पहले तो ऐसा पैंट था बेल बॉटम अभी रास्ता में साफ करने के कोई ये नहीं है ऐसा पहन के जाने से पूरा रास्ता क्या हो जाएगा साहब अभी तो लोग स्त्री लोग पहनते हैं स्त्री लोग क्या पहनते हैं पलासो जो भी है वो सू है वही चीज दो जन पहनेंगे चर्च को 4 बार आने से क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आजकल वो नहीं है ये इधर इस तरफ नहीं था पूरा टाइम सही नहीं स्टाइल समझ में आ गई ये इधर एकदम नीला ये तो क्या है एकदम पूरा सिलाई करके काट देते चेंज लोग अच्छा लगते हैं मैं राइट आर रॉन्ग
अभी पास्टर की बच्चे पकड़ के पकड़ के हम लोगों पकड़ लिया पलासो। हम लड़का लगा बार में बोला था, हम लोग पैंट पहले बेल बटन नहीं था, ऐसा बड़ा पैंट मूवी में पहले होता, आजकल हम लोग क्या हो गया लड़का वो अलग बात है। हम लोग पुराना टाइम में स्कूल में हम लोग जब जाता पहले तो हम लोग कपड़ा का तो बहुत तकलीफ, कितने लोग कपड़ा का लिए बहुत तकलीफ होता है, कितने लोग बहुत कपड़ा के लिए परेशान हुआ, हमारे बांगला बुझ देना सबका तकलीफ हुआ था छोटा वाला में, कपड़ों देने कष्ट हो नहीं, नया नया कपड़ा था नहीं था हम लोग के लिए, ऐसा टाइम था जो कपड़ा में ऐसा ऐसा कपड़ा काट के क्या करते हैं सिलाई होता है सच है कि पूरा फटाफट हुआ था, पर आजकल फटा नहीं रहने से प्राउ लड़का बोलते है पहला कपड़ा लेके आओ छिड़ पड़ो पहला। आप जैसे कभी कभी मेरा घर में पुराना कपड़ा खरीदने के लिए हुआ सबके घर में आते कि नहीं सर पुराना कपड़ा चाहिए बर्तन पुराना कपड़ा मतलब पुराना जींस नहीं हो हम जानते नहीं पुराना चिरा बड़ा लेके लोग क्या करते हैं वो सेल हो जाता है ना। आजकल लड़का लड़की के लिए क्या है क्या कपड़ा क्या कपड़ा नहीं हमको पता नहीं है कि नहीं पूरा फटा हुआ है इधर थोड़ा कपड़ा है दैट इज टाइम जींस फटा है अपना कुत्ता कटा है नहीं एनीवे दैट इज अ डिफरेंट स्टेट आई मीन तो चेंज सभी को अच्छा लगता है चेंज सभी को अच्छा चेंज इसका मतलब आप पूछ रहे पास्टर बीवी तो एक ही बीवी के साथ जी रहे कोई तो चेंज नहीं कर सकते आमेन हालेलुया। बहुत सारे पुरुष लोग हैं पूरे स्त्री लोग और पुरुष लोग भी चेंज नहीं कर सकते पर मैं कहना चाहता हूं एनीथिंग चेंज आप करते आपसे एक गाड़ी इंजन खराब है पड़ो 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 कर लेकिन नया रंग करके नए नंबर पे कर दिया कैसा लगेगा है? अच्छा लगेगा अरे इन गाड़ी की इंजन खराब है कड़ो 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 कर रहा है लेकिन ये नया पेंट करके नंबर प्लेट चेंज कर गया कैसा लगेगा अच्छा लगेगा से कैसे हाँ, अंदर में खराब है लेकिन बाहर पूरा चेंज किया कैसा लगेगा हमें उसका मतलब एक रियल चेंज हम लोग लाइफ में इंपॉर्टेंट है ले लो यार। आज मेरे विषय है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है चेंज इसलिए हम इतना बोला हम लोग पास्टर क्यों आप बोले मैं ये बोलना चाहता था चेंज के बारे में आज प्रचार करने जा रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट वीक इस महीना का परमेश्वर का वचन ही था ट्रांसफॉर्मेशन ऐ का मुझे पूछे तो बेसिक केस से बोला आज एक मिनट लिया सुनो ना ऊपर लेके ये बेसिक आस कवर बेसिक है ऐसे एनीवे हां तो आप देख लीजिए इस महीना ने परमेश्वर ने वादा इस महीना ने परमेश्वर ने वादा किया मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन के एक महीना है परमेश्वर किस किस एरिया पर परिवर्तन करना चाहते हैं चेंज चेंज नंबर वन परमेश्वर आशीष के साथ वृद्धि करूंगा अमीन उस पर चेंज की जाए की चेंज आशीष आशीर्वाद की वृद्धि कत दिन वृद्धि चेंज पाला आगे विश्व से किचो होता है কিন্তু হঠাৎ দেখছে অনেক বৃদ্ধি কেরম লাগছে এই চেঞ্জ কত যদি ভালো লাগবে আমি রাইট আর পাইলে ক্লায়েন্ট নেই আতা তা সব বাইট কে মাখি মার মানে পর হঠাৎ দেখ রে বহুত সারা ক্লায়েন্ট সারে কাম আছে চলে কেসে লাগতে এই চেঞ্জ কেসে লাগে আচ্ছা লাগতে ভেরি গুড আমরা তো প্রভু নে ওয়াদা কর রহে হ্যায় ইস মহিনা মে মেনে তুমে আশীষ কে সাথ কিয়া করেনে বৃদ্ধি করুগা ইট ইজ আ চেঞ্জ আচ্ছা লাগতে আমেন नंबर टू परमेश्वर ने वादा करते हैं मैं पुनरुद्धार करूंगा पुनरुद्धार मतलब रेस्टोर रेस्टोर मतलब क्या है जो खराब था उसको क्या करेंगे ठीक करूंगा अगर जो खराब था ठीक करेंगे कितने दिन पुराना बुलेट को बिक्री करेगा यू नो पीपल पुराना बुलेट बिक्री करते हैं कितने दिन का बुलेट है यू डोंट हैव बुलेट मतलब कितना बुलेट चला सकते हैं एनीबॉडी बुलेट
जो पुराना बुलेट है वो नहीं देगा. क्यों बोले? इसका इंजन जो है वेरी हेवी इंजन है. उसका सीक्रेट जानते हैं लोग, बादल स्टेट से बुलेट लेने के लिए आते हैं. क्यों? उसके इंजन अगर वेरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नया बुलेट उतना पुली नहीं. तो आप देख लीजिए, पुराना बुलेट है अभी ट्रांसफॉर्म करके इंजन काम करके सब कुछ बढ़िया आ गया, ऐसा लगेगा मस्त है. That church is called restoration. पुनरुद्धार, वो प्रभु करना चाहते हैं. नंबर थ्री, प्रभु ने वादा किया मैंने क्या करूंगा, प्लांटेशन. प्लांटेशन मतलब बोएंगे. अब देख कितने देर बोने में अच्छा लगा. मेरे एक गुंडा, मैं छोटा वाला था, उनको सभी उठा के लेके जाता था. किसके लिए? मैंने सीड बोलने के, उसे क्या बोलते हैं, बीज बोने के. बीज बोने के ना कोई पौधा कोई प्लांट लगाने के. लोग बोलते हैं इसका हाथों में लगाने से क्या होता है. अच्छा है, वो एक टाइम था मैंने, मेरा मैं गार्डन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था. आई लाइक गार्डनिंग. मेरा अगर मैं अगर आई लाइक बडिंग, यू नो व्हाट इज कॉल्ड बडिंग. बडिंग के अंदर मतलब रेड कलर जो रोज का उसका बट को काट के फिर ऑरेंज वाला में लगा दिया. मतलब एक ही रोज में एक साइड से क्या निकलेगा, लाल रोज, एक साइड में ऑरेंज निकलेगा, एक साइड में हलूद निकलेगा. आई लाइक ऑल दिस थिंग्स, गार्डनिंग आई यूज़ लाइक. तो लोग जब देखता था इसके घर में बहुत सारी चीज है तो तुम आ जाओ. बट कभी कभी ऐसा होता है हम सब कुछ बोते हैं अच्छा फल आते हैं, कभी कभी आप कुछ भी बोते हैं कुछ नहीं आते, सब खराब हो जाते हैं. तो प्रभु ने बोले इस साल में इस महीने में कौन बोएगा, मैं बोऊंगा. अमीन. कौन बोएगा? प्रभु बोएगा. प्रभु एक बार बोने से वो खराब होगा ना फल आएगा, फल आएगा. तो थ्री थिंग्स प्रभु बोल रहे, आशीष का समृद्धि, नंबर टू क्या है, रेस्टोरेशन पुनरुद्धार, और नंबर थ्री प्लांटेशन. प्रभु क्या करेगा, बोएगा. तो लास्ट वीक हम लोग पढ़ रहा था अगर आशीष के साथ वृद्धि को चाहिए, अगर आप आशीष के साथ वृद्धि को चाहिए आपको थ्री थिंग्स करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री थिंग्स. नंबर वन, प्रायोरिटी आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर देना है. फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर देना है, गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी. अब अगर पहले परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी देगा, प्रभु क्या करेगा, आपको आशीष के साथ वृद्धि करेंगे. नंबर टू, परमेश्वर ने बताया एक स्पिरिचुअल जर्नी. हम जैसा उपवास किया लास्ट वीक, एक स्पिरिचुअल जर्नी अगर हम लोग करेंगे वो वृद्धि के साथ आशीष को. नंबर थ्री हो है, अगर हम लोग एक प्राइस देने के लिए रेडी है, एक क्रय देने के लिए रेडी है, प्रभु हमें क्या करेगा. तो आज मेरे विषय है, आज हम लोग सेकंड विषय पर आए हैं, यू नो आज मेरे विषय यही है. कैन वी डू दैट स्क्रीन, रेस्टोरिंग द फाउंडेशंस bring transformation. Amen. कितने लोग घर को रेनोवेट किया है, अभी हमने रेनोवेटेड एनी हाउस, घर को रेनोवेट किया, हाउस को रेनोवेट किया. ऐसा कोई व्यक्ति है आपके घर का फाउंडेशन को कभी रेनोवेट किया, कभी नहीं होता. Amen. कभी होते नो. कितना लोग रेलवे ट्रैक के पास घर है, रेलवे ट्रैक्स के पास घर है, एनीबडी रोड साइड में घर है, रोड साइड में. आप जानते हैं रोड साइड में आप घर में अगर हो, रेलवे ट्रैक के पास घर हो, जब गाड़ी जाता है आपके घर हिलते हैं, कभी होता है फील किया हमारे घर, उसके मतलब इसका फाउंडेशन क्या कर रहा है, हिल रहे हैं. हम लोग जो घर बनाया था साउथ में, वो लोग बोला था इतना फीट उसको स्ट्रॉन्ग नहीं तो ट्रक ट्रक चल जाएगा, क्या करेगा गाड़ी. तो आप देखिए आपका फाउंडेशन तो खराब है, फाउंडेशन हिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं है. तो तुम ऊपर रन करके क्या कर रहे, कोई फायदा है कोई, मुझे ठीक करना क्या है, फाउंडेशन का पहले ठीक करूं ना घर को ठीक करूं, फाउंडेशन. तो आज मेरे विषय है रेस्टोरेशन, तो मेरे जीवन में जरूरत है, चेंज तो जरूरत है, बट मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, फाउंडेशन है. हालेलुया. जैसा मैंने कहा है गाड़ी के इंजन का काम है, लेकिन मैंने कर रहा हूं कहा, गाड़ी का बॉडी का काम कर रहा है तो कोई फायदा है. तो इंजन का काम जब है मुझे इंजन को ही ठीक करना पड़ेगा. तो आज मेरे विषय यही है, जैसा आप और हम जो फाउंडेशन प्रभु हमारे जीवन में जो दिया है, उस फाउंडेशन को अगर हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, कभी भी रूपांतर नहीं आएगा.
हमें हम जैसा बोल रहा था लास्ट 48 आवर्स आप लोग जैसा उपवास में था हम लोग भी उपवास में था, मैं मेरा परिवार लोग चर्च में था, उपवास और करके प्रार्थना जब कर रहा था प्रभु ने कुछ वर्ड हमसे एवरी टाइम हम फास्टिंग में आते प्रभु कुछ बातें करते हैं तो प्रभु कुछ बातें क्या कुछ कुछ वर्ड मुझे दिया कुछ कुछ वर्ड दिया है। एक वर्ड जो था तीर, एक वर्ड जो था तीर एरो तीर, और एक वर्ड प्रभु ने दिया था फ्लैग, क्या है झंडा फ्लैग, और एक वर्ड परमेश्वर ने दिया था बिल्ड, क्या है बनाना, क्या है बिल्डिंग बनाना, और एक वर्ड प्रभु ने दिया है खुलना, क्या है खुलना। तो प्रभु ने मुझे बातें करने लगा, प्रभु ने बोला था तुम बनाने वाला है, तुम कौन है बनाने वाला, हमको बोल रहा था तुम बनाने वाला है। देन हम प्रभु से पूछ रहा था प्रभु कैसा बनाएंगे क्या बनाएगा। देन प्रभु ने मुझे तीन पिक्चर मुझे दिखाई, कितना पिक्चर थ्री पिक्चर दिखाया, जो गिरा हुआ है टूटा हुआ है जो प्रभु ने बोले इस चीज को तुमको बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे नहीं। तो आज वही है मेरे विषय है, आज मैं आपको तीन विषय को बता दूंगा जो फाउंडेशन, ये तीनों चीज फाउंडेशन है, ये तीनों फाउंडेशन को शत्रु क्या किया हुआ है गिरा के टूट के खत्म करके रखा है, हम उसी के ऊपर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ फल नहीं हो रहे। लेकिन आज परमेश्वर से करेंगे प्रभु मेरा फाउंडेशन पहले ठीक हो जाए जैसा प्रभु का काम उसके ऊपर बन रहा है। हालेलुया, पहले मेरा फाउंडेशन ठीक होने से बाकी सब कुछ क्या होगा। तो आज परमेश्वर से जैसा मैंने कहा है चेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रूपांतर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं इंसान को खुशी करने के लिए रूपांतर हम नहीं चाहते। देखिए आप देखिए आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, आप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप डाई लगा के सबके साथ खुशी करें तो क्या यूज़ है भाई। पहले तुम जाके क्या करो हार्ट को ठीक करो, सही बोल रही हम बोल रहे सही बोल रही। अरे बात तुम ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे, तुम बैठे कर रहे लेकिन तुम उसको खुशी करने की तुम क्या कर रहे। लोग सोचे तो बहुत फिट इंसान है ये तो, बट बहुत दिन से चेस्ट में पेन है, ये बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा है पेन में, लेकिन वो पेन को वैल्यू नहीं दिया, ये रंग के बारे में सोचा, रूपांतर के बारे में सोचा, लास्ट में क्या हो गया फाउंडेशन क्या नहीं किया, कितना समझ में आ गया। सो टुडे मेरा विषय ही है प्रभु मेरे जीवन में लोग को खुशी करने के लिए एक जीवन नहीं है, समझ में आ गया। मेरा फाउंडेशन पहला बन जाए मैं जिएगा बाकी सब आज देख लीजिए एवरीबॉडी अपना लाइफ को लेकर रहेगा कि नहीं, मैं राइट कर रहा हूं। लोग किसके बारे में ज्यादा चिंता करते हैं खुद के बारे में। अरे भाई एवरीबॉडी अपने बारे में जब चिंता करते हैं क्यों तू तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करेगा, मैं राइट कर रहा हूं यस सर नो राइट। अरे बीबी के लिए पति जी रहे हैं बट एंड ऑफ द डे पति जब मर जाएगा बीबी कभी नहीं बोलते हैं ये मेरा पति इतना साल जिया है इसको क्या करे थोड़ा नमक लगा के रखो, वो बोलेगा डेडबॉडी का क्लियर करेगा, राइट क्लियर सच में बोलेंगे। कौन बीबी पति के लिए महल बनाया बनाया कभी नहीं, बेकार पति लोग किसके लिए बनाया हमें पति हॉस्पिटल में बोला था सोना क्या है सोना हम मरने वाला है, एक ही इच्छा है मेरा हम जब मर जाएगा मेरा सारे प्रॉपर्टी मेरा जो भी है तुम जब कब्रिस्तान हम जब जाएगा मेरा सर क्या करना सब पैसा उसी में देना हम लेके जाएगा। अभी बीबी का बोला हाथ क्या करना मेरा हाथों में वादा करके देगा तुम कभी ऐसा भूल नहीं करेगा। बीबी का हाथ सोना अभी दिवो वो हाथ दे बोला शब्द दे दो तुम्हारा संपत्ति तुम्हारे दे। अभी ये बिचारी उसका बात मर गया अभी इसके लिए रेडी हो रहे सब का बस विदेश का स्टोरी था
विदेश में अपना एक महीने का बाद भी क्या होते हैं, कवर होते हैं, वो फ्रीजर में रखते हैं। हमें कवर के लिए सब रेडी हो गया, कैस्केट सब हो गया, अभी बीबी एक सूटकेस के साथ आ रही है। सभी स्टोरी जानते हैं, बाबा क्या पत्नी है भाई, पत्नी रहने से इसके लिए सवाल है। पूरा प्रॉपर्टी किसका हक कहाँ है, सूटकेस में लेके आया, अभी ये रख लिया, रख लिया कवर उस कैसेट के अंदर रख लिया, वो दे दिए। बोला सभी लोग पास्टर भी तारीफ किया, बीबी होने से किसके जैसा होना है, ये बीबी का जैसा, रूबी के जैसा होना है, होने रूबी, उसका नाम रूबी सोच लीजिए, रूबी है, सुनो तो उसके जैसा होना है। देखो सब दे दिया, पति का जो वादा किया दे दिया, अभी सब खत्म हो गया, उसका बेचारी को कब्र में डाल दिया। अभी इसका पहले और एक जन थी मौसमी थी, उसे पूछा था, रूबी तुम्हें की शोधती करे अब तो टाका दिए छो तुम्हें तो शोधती, बोला है हाँ मैं दिए जी, वो समस्त संपत्ति अब जाके बैंक में डाल दी, बैंक में डाल के एक चेक लेके उसको दे दिया, उसको जब प्रयोजन होगा वो कैश करेगा। समझ माने कि इतना बुद्धिमान स्त्री घर बनाने वाली लोग अमेर समझ माने कि नहीं है कि नहीं सब बढ़ जाए। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया अमेर। अब देख लीजिए तो एंड ऑफ द डे ये अपना बारे में सोचा, अब राइट कर रहा हूं, तो द वर्ल्ड आप और हम जी रहे हैं, खुद के बारे में कोई सोचने के लिए नहीं है। आप हमारा बारे में नहीं सोचे, आप बोले एक क्यों शादी नहीं किया, अब तो शादी सुधा है, आप शादी सुधा, अरे तू आपका पीछे शादी बड़े आप शादी नहीं किया तो क्यों नहीं किया, बोलते हैं अत वर्ष हमारे बो ने जो नहीं छा कार मेरे बहन के लिए था, उन लोग का लाइफ के लिए हम डिस्काउंट था, राइट। तो लास्ट में क्या हो रहा है, उन लोग का लाइफ हो गया, अभी तुम बेटा तुमको कोई शादी नहीं करेगा। अक्सर सही बात है कि नहीं, किसके लिए था, मेरा मम्मी के लिए था, मम्मी चलेगा अभी तुमको कोई नहीं है, राइट। तो मेनी टाइम्स में इग्नोरिंग आवर लाइफ इज अ प्रॉब्लम ट्रेजेडी, हम नहीं बोल रहे आपके फैमिली को, हम जस्ट एग्जांपल बोल रहे आज सिचुएशन हो रहा है, पर आज मैं कह रहा हूं आज लेट्स फोकस ऑन द फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है, थ्री पिक्चर्स आज मैं आपको कहना चाहता हूं। नंबर वन पिक्चर जो परमेश्वर ने दिखाया था, अ ब्रोकन ऑल्टर, क्या है, टूटा हुआ वेदी। नंबर वन क्या है, अ ब्रोकन ऑल्टर, सभी बोले ब्रोकन ऑल्टर, उसके बोलते क्या, टूटा हुआ वेदी। आपकी भूल धारणा है ऑल्टर मतलब घर में जो रह रहे वो ऑल्टर नहीं है, हम लोग को तो जो है मन को टूटा हुआ वेदी, आप सोचे थे घर में जटर बेचे यीशु बाबा के डूगे रख दीजिए, हमारे वो अल्टर नहीं, वो था भूल, उल्टा भूलटर, लेकिन भूलटर उल्टा मैंने भूल उल्टा को समझ पा रहे कि नहीं। हेलो यीशु बाबा के कोनो भूलटर के भीतर रखते अरे ना हमें अल्टर मतलब नहीं है, पुराने नियम में कस्टम था, इंसान जब पाप किया था, देखिए पाप जब किया था बाइबल के जो इंसान पाप करेगा उसको मरना है, अब देखिए आप इंसान को जब बनाया था प्रभु मृत्यु नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ईश्वर इच्छा चलो मानुष की करवे अनेक वर्ष जी बस करवे तार कोनो मृत्यु ही तार काचे आश्रय। कितने लोग ऐसा लगता है मृत्यु हमारा लाइफ में नहीं रहने से जीवन कैसा होता, कह रहा हूं तो बोली को चिंता करो चल, आप यदि मॉरल ना हो तो लाइफ कह रहा हूं ठीकठाक होता ना कि मानुष रहते हैं। अभी बोलिए मृत्यु नहीं, तुम कभी सोच हिंदी में बोलो ना बंगला बोलो हिंदी तो बोलो, मृत्यु नहीं है मरण नहीं है मेरे लिए, तो हम सदा के लिए जिएंगे, ऐसा जीवन कैसा लगेगा, तुमको डेस्टिनेशन वही चाहिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। मौसमी बोल रहे हैं अच्छा नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, अच्छा लगेगा बोल रहे, ये बोल रहे अच्छा नहीं लगेगा, इन्हें चाहे मृत्यु चाहे, इन्हें बोलते मृत्यु चाहे ना, ये मरण चाहे ना, वो प्राक्षस के मार कर चाहे ना, प्राक्षस के मार कर बाल प्राक्षस के मार कर चाहे, बट एनीवे एनीवे डिफरेंट क्वेश्चन, सॉरी अब बोला मैं कोई बात बोल रहा हूँ एनीवे। तब यहाँ देख लीजिए तो
संग बनाया, क्या नहीं किया, मृत्यु नहीं दिया, प्रभु सब कुछ बना, अच्छा बनाया। बट बाइबल कहते हैं पाप के कारण क्या अंदर आया, मृत्यु है। अगर पाप के कारण मृत्यु है तो प्रभु जो कहा, प्रभु जिसको बनाया मर गया, वो मर जाएगा। तो प्रभु ने बोला सुनो ठीक है, तुमको अगर बचना है तो एक उपाय है। उपाय क्या है, वेदी, क्या बनाना, वेदी। इस वेदी में जहां तुमको मरना है वही जहां पर तुम क्या करना, कोई जानवर को बलि देना, क्या करना, कोई जानवर को बलि देना, समझ पा रहे, माने वेदी ऊपर काके बलि चढ़ा रहे, बलि जानवर के बलि देवे। तो कोई जानवर पे जब बलि देगा किसके अंदर जीवन आ रहा है, तुम्हारे भीतर जीवन आ रहा, तुम्हें मौत पहना, तुम्हें की कोई बाचू, समझ पा रहे, माने अभी पूर्ण करे जब हमें मरता होगा, ताई तो हमारा जगह के मरचे एकटा कोनो जानवर मर रहे अभी बलि चढ़ रहा, तो हमें हमार बोझ के कह नहीं लो जानवर नहीं है, अभी मेरे अंदर क्या आ रहा है, हम सामने में दौड़ हम बचे सर। तो प्रभु इस नियम को जब दिया था, बाइबल कहते हैं पहला इंसान 969 ईयर्स जिया, कितना साल जिया, हाँ पहला इंसान कितना साल जिया, 967 ईयर्स उसका आयु था। अभी शत्रु देखा था, ओ यही है प्रॉब्लम, इसका लाइफ कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, यही जो वेद इससे मिल रहे, क्योंकि ये जहां पर कोई मरने से इसको क्या मिल रहा है, प्राण मिल रहे। अरे एक एक हम मर गए लेते हैं पाछे जाचे, तो इसको यहां से मरने के लिए हमको इसको बेदी क्यों, क्या करेंगे बेदी दी दी ताले क्यों मर में नहीं समझे ना, एक बेदी के मरे दिले ये तो मर में क्यों मरेगा, हम लोग मरेगा, हम लोग आयु कम हो जाए। तो जब बेदी खराब हुआ था क्या हुआ था, इंसान का आयु 969 से लेके सीधा कान के आया 120, कहां आया 120 में आया। लूक के टाइम में आयु कितना था, 120 साल, कितना डिफरेंस देख लीजिए। अभी आर्मी और तक खराब बराब हो रहे, कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहे, अभी आयु कहां हो गया 120 से लेके 70 नहीं तो 80, 70 80 70 80, उसका ज्यादा होने से क्या है मुश्किल का बात है। अभी देखिए 969 to 70 or 80, उसके बाद अभी सिचुएशन आप देख लीजिए, किसी पे गारंटी है 70 साल जिएगा, सत्य बात है। आज के बच्चा माए पेटे देखे बेरी आज से पृथ्वी देखी नहीं, जो बच्चा धरती में आ रहे हैं दो दिन जी रहे हैं बच्चा नहीं। कल एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, माँ बाबा सो रहे हैं घर में, मम्मी पापा घुमा चे, बच्चा की कुर्चे उठे एटे चिट्ठी लिख लो, चिट्ठी लिख लो, उठे लिखा के चे माँ बाबा सॉरी अमा के क्षमा कर बे, हमको बच्चे की इच्छा नहीं, हम मरना चाहते, लिखे रखा 5 साल तक खुदा नीचे बच्चा सुसाइड किया, 18 साल का बच्चा, 10 ईयर्स, अरे 10 ईयर्स बच्चा लोग को किताब उठा के पढ़ने के समय में वो किसके बारे में सोच रहे, बात कर रहे। आज एवरी यूथ लोग को शत्रु, आई टेल यू इवन द पैंडेमिक के द्वारा बहुत सारे युवा युवती का लाइफ बर्बाद हो गया, ये जो मोबाइल जो चीज है, इवन मम्मी पापा मोबाइल खरीद कर दे रहे हैं, बट वो लोग उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो वाच नहीं कर रहे, बच्चा सारा दिन रात बैठ के क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मैंने ऐसा गेम खेल रहे हैं पबजी खेल रहे हैं, उसके एंड क्या है, वो बोले तुम मर जाओ, तुमको जीने के लिए कोई आशा नहीं है। अगर आई टेल यू बेलावड, कोई अगर ऐसा लाइफ में है टुडे प्लीज स्टॉप दैट लाइफ, अगर तुमको जो चीज जीने के लिए मौका नहीं दे रहे, दैट इज नॉट प्रभु का योजना है, प्रभु के इच्छा तुम जीना है। हमें कैसे जन करेगा, हालेलुया, यदि बड़ी हियर आप कह रहे पास्टर हमार बाचवा नहीं चले, मेरा लाइफ में जीने के इच्छा नहीं, मेरा बीवी इतना तकलीफ दे रहा है, मेरा फैमिली में इतना प्रॉब्लम है, मेरा परिवार में इतना चिंता है, मेरा बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा मन बोल रहा है तुम मर जाओ मर जाओ मर जाओ, लेकिन आज बोल रहे हैं प्रभु की योजना तुम मरना नहीं है, प्रभु की योजना तुम जीना है। हमें पृथ्वी तुम्हारे मोरार्जुन से
से फिर तो प्रभु तुम्हारे बादशाह वाले में से चल मैं हम आई टेल यू एक दो बहन थी बाइबल स्टोरी कर कौन है कौन है कबीर लोग इसना इतना बड़ा ड्रामा करते हो है खड़ा हो जाओ सीधा खड़ा हो जाना रेडी सो दोनों दोस्त लोग इला कौन है टू बोल दे क्षमा कीजिए इन लोग उम्र के लिए ऐसे नहीं बोल रहे हैं बट चलिए हम एक सामने बोल रहे हैं ए मां बन गई ये भी मां बन गई दोनों एक दिन में बच्चा को दे दिया दोनों एक दिन में बच्चा दे दिया अभी दोनों इस बच्चा का साथ रात को सोती है एक साथ इसका शरीर तो आप देख रहे हैं तो कम खाती है लेकिन शरीर थोड़ा भारी है कम खाती है शरीर थोड़ा भारी है ये क्या किया रात को अपना बच्चा को ऊपर से थोड़ा रोलर कोस्टर चला दिया समझ में आ रहा है कि नहीं बोल रहे कि नहीं ये रात को खाने के बाद बोस बोस नहीं रहते तो सो के ये क्या किया बच्चा के ऊपर से एक बार अपना तो बच्चे रात को क्या किया बोले क्या हुआ मर गया रात को क्या हो गया गलती किसका था माँ का कम हो जाता इसलिए प्रॉब्लम तो अभी ये सुना आज से हम डाइट शुरू करेंगे तुम कभी नहीं कर सकते डाइट करेगा एक डाइट नहीं करना खा लो अच्छा से ठीक है हम जस्ट हम एग्जांपल अरे हम एग्जांपल बोल ठीक है तो अभी आप देख लीजिए ए वो चला एक ऐसा है तो ऐसा ड्रामा कर बहुत चला गया ये क्या किया सोए उठ के देख अपना बच्चा क्या है कदम ही ये देख रही बेचारी सो है इसका बच्चा का पास इसका बच्चा को ए ले लिया इसका बच्चा को क्या उसको ले लिया अभी सुबह वो उठे थे निजे बच्चा तो सभी से बुझता पड़े हमें हमारे माँ बोल लो हमें जन्म होते खूब सादा छे ना ना काला छे अनेक काला छे ये कड़े पे हंस रहे इसका इच्छा है ये बहुत कभी देखा है ना नहीं इधर हम खराब है सो एनीवे हमारे बाड़ी ते दो जन एक दिन आगे एक जन जन्म दिए छे और एक नेक्स्ट ईयर और जन्म दिए মানে আমার মা আমার মায়ের দিদি দুজন প্রেগন্যান্ট ছিল এই দুজনের মধ্যে একজন কাল রাত কো বাচ্চা দিয়ে ও লড়কি থি ও দেখ রে বহুত খুশ উসকে নাম হ্যায় রানী বলতে মেরে দিদি এক থোড়া সময় কা দিদি হ্যায় ও উসকে নেক্সট ডে মেরা মা জন্ম দোনো ঘর মে দিয়া আরে মেরা লাইফ কো কিউকি দেখনে মে কিয়া থা মে বলা তো কড়াই কে জেসা থা ভাইসা থা কড়াই কে পিছে কেসা থা খালা তো আমকো দেখনে বালা মে কিয়া রে আমকো মেরা পাস उसके बाद है बच्चे तो हम बेचारे जैसा पढ़ा रहे बात ऐसा अब स्टोरी है लेकिन मेरा माँ तो जाने है किसका बच्चा है जितना मेरा माँ क्या किया हमको कढ़ाई किया जैसा कलर बोल के क्या नहीं किया हमको धूप दिलाया अच्छा किया हमको बड़ा किया ये आज क्या अवस्था खराब हो गया तो आप देख लीजिए जितना भी लोग उस बच्चा को तारीफ करे लेकिन माँ के लिए बच्चा जैसे इसके लिए नहीं इसका बच्चा ये देखा ये तो मेरा बच्चा तो नहीं है ये किसका बच्चा है ये किसका बच्चा है इसका बच्चा तो ये जब क्या किया देख रहे में पतली वाली लेकिन क्या है लड़ाई का जरूर है हमारा बच्चा मर जाए हामिद मन बेटा कार बच्चा तो ये लोग दो जन टाड़ा टाड़ी हो गया अपने इन लोग डिसाइड किया कहां जाएंगे एक राजा के पास है हाँ राजा ने क्या किया दादा फोटो खींच एक ही बाल बन गए एनीवे लेकिन राजा बेटी के एक उपाय हम कर सकते हैं थर्मल को लेके आओ क्या लेके आओ
अभी जे बच्चा जानदा बच्चा एर बच्चा ओके अभी की करबो गिटी गिटी आधा आधा करे दे देबो एर आधा दिबो ओर आधा ये बहुत छियाना ये बोले छे ठीक है अब आधा खेटे दो अब के आधा की करबो पुड़िए कावे ना यही जने ओ बच्चे कारण हमार बच्चा तो नष्ट हो गया छे एर बच्चा ओके हो गया नष्ट ऐसे लोग देखिए अरे हमार तो खराब हो गया छे ये लाइफ खराब हो गया बट ये तो माँ है ये क्या बोला था नहीं मेरा बच्चा खराब हो रहा आप कभी एक काम करो मेरा बच्चा उसी को दे वो लेके जा उसका सच जीने तो राजा जब देखा सच में कभी भी अपना बच्चा को क्या नहीं करते मार नहीं डालेगा तो इसमें एक्चुअल माँ कौन है ये है ना ये है हाँ बोले कौन है ये है ये कौन है ये नकली मार है ना बोले तो राजा ने डिसाइड किया है बच्चा का तो उठा के किसका हाथ में दे दिया तुम्हें नहीं जाओ जाओ अरे गो तुम क्यों करा रहे हो तब देख लीजिए तो दे दिया इसी में आपको क्या समझ मारे प्रभु की इच्छा कभी भी क्यों माना है कौन है खुदा माना मैं माना है अरे हम उसको माने ना माने आपने जो धर्म मानते कि नहीं बट खुदा तो कौन है वही आपको बना है वो कभी नहीं चाहते हमारा जिंदगी क्या हो जाए बर्बाद हो जाए हमारा जीवन खराब हो जाए हमारा जीवन नष्ट हो जाए पर वो हमेशा कोशिश करते हैं कैसा मेरा बच्चा को क्या करे जीने के लिए मौका दे हालेलुया समझ मारे कि नहीं तो अपने लिए जीने के लिए मौका क्या है एक ही तो उपाय है तुम्हारे लिए क्या है तुम अगर वेदी पर जानवर को नहीं रखेगा क्या होगा क्या होगा अरे क्या होगा तुम जीने का चांस कम है राइट अगर तुम वेदी पर बलि नहीं चढ़ाएगा तुम जीने का आयु क्या है अब याद है के लिए प्रिय भाई बहनों हमारा लाइफ लाइफ ऐसा एक बैलून के जैसा है बैलून कब उड़ता है कब होता है जब तक वायु है समझे नहीं बाइबल कहते प्रभु इंसान को मिट्टी से बनाया उसका नासी ने क्या किया तो आज हम चलते फिरते किसके द्वारा परमेश्वर का जीवन के द्वारा तो उस जीवन अगर बढ़ते जाना है मुझे वेदी पर बलि चढ़ाना जरूरी है हालेलुया आप बोले पास्टर ये वेदी बलि इसका मैं नहीं समझ पा रहे ठीक करके बोलिएगा वेरी सिंपल हम बोलना चाहते हैं वेदी मतलब हमारे जीवन हमारे हृदय इस जीवन से प्रभु की आराधना करना है हालेलुया आज कितना दिन यहां बैठे हुए हैं आप जब यहां आया था आप प्रभु की आराधना नहीं करता था बट आपको जीने के लिए कोई इच्छा ही नहीं था आप मृत्यु का रास्ता आप सोच रहे आप मर जाएगा आप सस्ता था मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा पर आप हंसते हंसते प्रभु की आराधना करने शुरू हो गया आपके अंदर में क्या लग रहा है एक जीवन आने के लिए शुरू हो गया हालेलुया समझ में आ रही तो आप देख लीजिए आज बहुत सारे लोग के अंदर क्या नहीं है आराधना नहीं प्रभु का आराधना नहीं प्रभु की स्तुति नहीं जो वेदी आराधना किया हुआ वेदी जब टूटा हुआ है कैसा परमेश्वर का जीवन तुम्हारे अंदर आए अंदर कैसा अरे तुम्हारे अंदर आराधना नहीं है जो आराधना के द्वारा जो वेदी पर आराधना रखेंगे क्या होगा जीवन आए अंदर हम देखते संडे हम चर्च में आते हैं कि नहीं संडे चर्च में आते हैं तो संडे जब चर्च में आते आराधना करते हैं वचन सुनते हैं हमारे अंदर क्या आते हैं जीवन आते हैं सारा सप्ताह क्या करते हैं काम कर सकते हैं हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं आप सारा सप्ताह चलाना चाहते कैसा होगा आपने समझ में नहीं तो हम क्यों आते हैं आज रविवार जब आते हैं मैं अपना जीवन का कहां रखता हूं वेदी पर कुर्बान कर देता हूं हालेलुया समझ में नहीं मैं एवरी टाइम जब कुर्बान हो जाता हूं मेरे अंदर से जीवन बाहर निकल एवरी टाइम आप निराश होके दुख होके परेशान होके आप दुख तकलीफों के प्रभु के पास आता हो जब खुद को उस वेदी पर सरेंडर करता हो प्रभु ने एक नया आशा और जीवन हमें देते हैं हालेलुया एवरी टाइम मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा एवरी टाइम मुझे लगता है मैं आगे पर नहीं बढ़ पाऊंगा एवरी टाइम मुझे लगता है मेरे लिए कोई जीवन नहीं रहेगा लेकिन एवरी टाइम मैं प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं मेरे अंदर ऐसा कि जी सकते हैं नहीं मैं जी सकता हूं हालेलुया मेरे अंदर एक लक्ष्य है मैं आगे बढ़ सकता हूं एवरी टाइम नया नया ताकत मेरे अंदर आते हैं
पर आप बोल रहे हैं आपके अंदर वेद ही नहीं है, कैसा आनंद लग जाएगा। शत्रु क्या नष्ट किया है? वेद ही को नष्ट किया। आज प्रभु कह रहे हैं हमारा जीने के कारण क्या है प्रभु? आज कह लियो प्रिय भाई, कभी भी आप पूछा है, मैं जया को बहुत बार इस सवाल को पूछा था, इस धरती में क्यों है तू? मैं पूछा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जब यूथ कनेक्ट जब हम लेता था, इसको आस्क कर, लेकिन कितना कभी सोचता है मैं इस धरती में क्यों हूं? कभी पूछते हैं कि कौन पूछा है कभी मैं क्यों हूं इस धरती में? व्हाई? अरे 70, 80 साल, 60 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल हम राइट हम जी रहे हैं। बहुत खुशी होगी 110 साल बोला मैं प्रभु आशीर्वाद बोला मैं अमें अगर आप देख लीजिए जब इतना साल जी रहे आप इस धरती में क्यों है? क्यों कभी पूछते हैं व्हाई आर इन दिस वर्ल्ड? क्यों खुदा ने लगा? लड़का था स्कूल में गया, कष्ट करके पढ़ाई किया, कॉपी करके करके एग्जाम लिखा, कॉलेज में लाती मार के भेजा, वहां गया वहां मार करके काके फेल हुआ, अरियर दिया, अस्कवा करके करके कोई काम मिला, काम में करते करते किसी लड़की के साथ चक्कर हुआ, उसी को शादी किया, अभी उसी को शादी करते उसको संभालने के लिए काम और ज्यादा करना पड़ेगा, ओवरटाइम करना पड़ेगा, बच्चा पैदा हुआ, अभी बच्चा का स्कूल में भेजने के लिए और ज्यादा लोन लेना पड़ा, बच्चा बड़ा हो गया, अभी बच्चा का पढ़ाई करने के लिए कॉलेज करने के लिए और भी परेशान हो गया, अभी इन लोगों सबको रहने के लिए भाड़ा घर रहने से नहीं होगा, खुद का घर चाहिए, उसके लिए लोन लिया, अभी लोन देने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी लेने का सारा जिंदगी काम किया। अरे लड़का लड़की को शादी किया, अभी हम बूढ़ा बूढ़ी हो गया, अभी क्या है? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? सच बोल रहे हैं। बाइबल कहते हैं इस धरती में प्रभु रखने का कारण ये है हम परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया। व्हाट इज द पर्पस? मेरे जीवन किसकी आराधना करें? माय लाइफ प्रभु की आराधना करें। प्रभु की आराधना करने के लिए आई टेल यू आपके अंदर से क्या उत्पन्न करने शुरू होगा? जीवन आने के लिए शुरू होगा। आपका शादी में जीवन आ जाएगा, आपका बच्चों के साथ एक जीवन आ जाएगा, आपका काम में एक जीवन आ जाएगा। द आराधना करने का वाला लगा वो जो कुछ हाथ पकड़ेगा उसके अंदर जीवन आने शुरू हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर लाइफ आएगा आई टेल यू मेरे पीपल ये कुछ पॉसिबल सोना है, जो कहेगा उसके अंदर प्राण है। आई टेल यू बिकॉज देयर इज अ लाइफ। हम किसके साथ कनेक्टेड है? मेरा बेदी आराधन के साथ कनेक्टेड है, तो मैं जो भी करेगा लाइफ बाहर निकलते रहेगा। उन्नति नहीं हो रहे, ये नहीं कर रहे, सब बिकॉज यू डोंट हैव अ कनेक्शन विद गॉड, प्रभु के साथ। समझ मारेंगे आज प्रिय भाई, तुम्हारे अंदर जीवन का जरूरत है। बाइबल कहते हैं पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय में लिखा हुआ है, 18 अध्याय वर्स नंबर 30 क्या लिखा हुआ है? तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। समझ में आई? बाइबल कहते हैं जब एलिया ने देखा, क्या देखा था? अच्छा वेदी को देखा, क्या वेदी को देखा? टूटा हुआ वेदी में कभी क्या नहीं कर सकते। अरे टूटा हुआ बिल्डिंग के ऊपर फाउंडेशन को घर बनाएगा? एलिया ने क्या किया? टूटा हुआ वेदी को क्या किया? ठीक कर दिया। बाइबल कहते जब वेदी ठीक हो गया प्रभु का बलि सब ठीक से सजा सकता। वेदी के ऊपर बलि जब आया कौन उतर आया? प्रभु का आंख बलि के ऊपर उतरा है, जीवन उतरा है। आज परमेश्वर साथ एक रेस्टोरेशन तुम्हारा आराधना में होने के लिए मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, सभी प्रार्थना के साथ मेरे पास लास्ट टाइम आप प्रभु को दिल से आराधना किया। आमेन। मेरे पास लास्ट टाइम आपका अंदर से उस आराधना आप अपने आप को भूल के आराधना किया। आमेन। मेरे पास लास्ट टाइम ना बहुत साल हो गया लास्ट टाइम
मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूँ। आई टेल यू एवरी डे हमारे जीवन से आराधना के वेदी निकल रहे हमें। चला हिंदू धर्म में रही अपनी के ऑल्टर एक चला प्रतिदिन करें ना सप्ताह एक दिन करें इतना कब करते हैं रोज करते हैं उसको मतलब वो साथ है वो सही और गलत का वाला बात है बट वो मेक श्योर करते हैं कोनो दिन मिस ना हो। आज कितना विश्वासी बोलते हैं आज के नहीं कल के देखो ये शब्द नहीं पूरा शब्द देखो है ना रिया उन एक शब्द पूरे ऐसे जो एम राइट मैं आप पूरे को तब बोलो एनीवे समझ पा रहे कि यू सी मेनी वी टेक वेरी लाइट और यही जीवन अंदर ना रखे हम सारा सप्ताह कहाँ टालना चाहते हैं काम में जाना चाहते हैं दुनिया में और वहां कोई फल राइट। राजप्रभु कह रहे हर दिन तेरे अंदर से क्या हो जाए मेरे लिए आराधना आ जाए हमें एवरी डे तो आपके अंदर से आराधना आ जाए हमें हर दिन उठ के क्या करो प्रभु की आराधना करो आपके लिए सोना सोनू निगम नहीं बनना है आराधना करने के लिए आपको उषा कुतुब नहीं बनना है अब टूटा हुआ उस मन से करेंगे वो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे। आप जब करेंगे ना आपका दिल से क्या उतर आएगा आप जब उस गीत गाएंगे ना आपका अंदर मन टूटेगा आपके आंख से आंसू पानी गिरेगा आप ये फील करते हैं प्रभु ऊपर से क्या डालते हैं सुबह उस जीवन का अंतर डालते हैं समझ पा रहे आप आराधना की अभी जीवन अंतर आया अभी आप उस जीवन के लेके आप जा रहे हैं काम के लिए जा रहे हैं प्रभु के जीवन के साथ काम कर रहे हैं काम में सफलता हो गया हालेलुया आप जिस काम के लिए दौड़ रहे हैं सब सफलता हो रहे आप जानते हैं मैं सुबह प्रभु की आराधना किया सारा दिन प्रभु के जीवन मेरे अंदर था हालेलुया इवन आप जा रहे हैं आई टेल यू सीक्रेट आप जा रहे हैं शत्रु कोच उनका प्राण काज लेना है क्या करना है प्राण लेने के कोई एक्सीडेंट रेडी करके रखा है बट आपके अंदर प्रभु का आराधना था बोलिए प्रभु के एक्स्ट्रा लाइफ आपके अंदर है एक लाइफ जैकेट आपके अंदर है हालेलुया आप जानते हैं यू नो पायलट के पास क्या रहते हैं अगर राइट और मैंने एक पायलट यू नो एक पायलट हेलीकॉप्टर में क्या कर रहा था दो बच्चों को स्कूल में क्या कर रहा था छोड़ने के लिए जा रहा था तो ऐसा अवस्था हेलीकॉप्टर में एनी टाइम क्या होता है हेलीकॉप्टर में क्या होता है एनी टाइम एक्सीडेंट होते हैं यू नो दैट आर्मी ऑफिसर के जो एनी टाइम होते हैं तो ऐसा अवस्था हो गया एक पायलट समझ पा रहे इसका हेलीकॉप्टर अभी क्या करने वाले तो तीन पैसेंजर जा रहे तो कितना पैरासूट रहेगा तीन का रहना है तो अभी पहला हेलीकॉप्टर से इस बच्चों को बचाने के पहले कौन कूदा नीचे पायलट नीचे कूदा ये जब कूद के चल गया अभी बच्चों ने देख लिया एक तीन तक पैरासूट रहे थे अरे पैरासूट तीन तो होने पायलट एक लेके कूदा तो अभी कितना रहना है तो अभी पायलट कूदा है अभी कितना है बाकी तीन है तो क्या लेके कूदा है तेरे बच्चों ने स्कूल बैग मिल गई थोड़ी आज बहुत सारे लाइफ ऐसे है तुम लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं पता है क्या पहन के जा रहे हो तुम्हें खुद ही नहीं पता हमें पैरासूट के बदले क्या पहन के चल रहे स्कूल बैग पहन के चल रहे कैसा लाइफ अच्छा होगा समबड़ी से समझ पाएंगे प्लस दैट द लॉ यू सी समझ पा रहे कि नहीं आज प्रिय भाई बोले व्हाट इज योर लाइफ इज ऑल अबाउट यू हैव अ लाइफ इन यू क्या पैरासूट के साथ जा रहे ना आज मैं बाहर जा रहा हूं प्रभु मेरे साथ है मुझे रक्षा करेगा आमेन हालेलुया मेरा मेरे जीवन कोई खाली नहीं हो सकते प्रभु की सुरक्षा मेरे ऊपर है बिकॉज मैं ऑलरेडी किसको ऊपर रख लिया वेदी के ऊपर मुझे सहन कर लिया हालेलुया कितना समझ में आ रही है जो व्यक्ति खुद को वेदी के ऊपर रखता है उसके कॉन्फिडेंस रहता है हमें इसलिए दाऊद ने कहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भी जाए हानि से मुझे डर नहीं है क्यों यहोवा मेरे साथ है हालेलुया बिकॉज ही वाज कैरिंग लाइफ इनसाइड हालेलुया somebody said I tell you altar who is the ultimate बलि
कौन अपने जीवन को बलि चढ़ाया, वेदी पर यीशु कुर्बान किया, उसी के द्वारा हमको क्या मिला है, वी हैव अ लाइफ टुडे। हालेलुया। आज मैं किसको पहन के जा रहा, यीशु का जीवन को पहन के जा रहा। हालेलुया। मैं क्यों आराधना करता हूं, क्योंकि यीशु का जीवन मेरे अंदर है। आमेन। यीशु का जीवन मेरे अंदर, कितना जन करेंगे यीशु का जीवन मेरे अंदर है, उसका भी यू हैव नो वर्शिप, यू हैव नो लाइफ। आमेन। तुम आराधना नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। शत्रु बोलेगा तुम चर्च में जाने से ऐसा होगा, ऐसा ही नहीं, नथिंग यू विल हैव लाइफ। आई वाज टेलिंग सिस्टर है ना, हम उसको बोल के बेटा भाई चर्च में जाने से लाइफ कभी क्या नहीं करेगा, लेना नहीं है लाइफ, लाइफ आपको क्या करेगा मिलेगा। हमें लाइफ क्या करेगा मिलेगा। कोई बोलेगा तुम प्रभु के पास जाने से शत्रु क्या करेगा, अरे शत्रु का शक्ति ज्यादा है ना प्रभु का है। हमें तुम्हारा सर से एक बाल गिरने से भी किसका परमिशन चाहिए, प्रभु का परमिशन चाहिए। जोर से बोलिए, मेरा सर से एक बाल गिरने से भी किसका परमिशन चाहिए, प्रभु का परमिशन। उसका मतलब मेरे जीवन में कुछ भी होगा किसके द्वारा होगा, प्रभु का द्वारा। हालेलुया। तो आज कितना देर करेंगे मेरे लाइफ में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और ऑल्टर इज इंपॉर्टेंट। कितने देर आज ऑल्टर को बनाना चाहते हैं, कितने करेंगे हर सप्ताह मुझे प्रभु के भवन में आना है, हमें हर दिन प्रभु की आराधना करना है, क्योंकि मैं आराधना नहीं करता मेरे अंदर क्या नहीं है, जीवन नहीं, लाइफ नहीं। यू नो पीपल लाइफलेस क्रिश्चियंस करते हैं, लाइफलेस क्रिश्चियंस, लाइफलेस क्रिश्चियंस, बड़े क्रिश्चियन है बट नो लाइफ है, नो कलर है उनके अंदर। कितने लाइफलेस क्रिश्चियंस था पहले, बड़े चर्च में जाता था प्रेयर करता बट नो लाइफ इनसाइड, ऐसा था कि नहीं, सच बोलने के लिए हमने चर्च में जाता था प्रेयर करता था, नाम क्रिश्चियन नाम ही है बट प्रॉब्लम क्या है, नो लाइफ इनसाइड, बेकार था। बट आप ही बोले बोले नहीं पास्टर आज मेरा अंदर जीवन है, हमें जब सुबह उठते हैं मैं जीवन का साथ होता, हमें सुबह जब उठते हैं मुझे डर नहीं है आज के दिन कैसा कटेगा, मैं नहीं जानता मेरे साथ कौन है, जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। Somebody say hallelujah। टाइम नहीं है, नंबर टू सो पहला जो है वेदी क्या है, पहला कौन सा चीज को मुझे रेस्टोर करना है, अरे बोलिए ना, पहला कौन सा चीज को रेस्टोर करना है, ब्रोकन आल्टर का रिफर करना है। नंबर टू जो है टूटा हुआ दीवार, जोर से बोले क्या है, टूटा हुआ दीवार। अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरे एक बहान है, उस बहान में मेरे कॉस्टली कुछ पेड़ को लेके आगे रखा, कोई ट्री प्लांट को रखा जिसमें फल बहुत कॉस्टली है, ये फल का दाम 25 लाख रुपए है, तो मैं क्या करूंगा उसको खुला खुली रखेगा ना, बहुत अच्छा सा सुरक्षित दीवार बनाए, जो सो है खुला खुली रखेगा वो तुम्हारा मर्जी। हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेगा, आई मेक श्योर सारे अच्छा से दीवार बनाएगा कोई अंदर घुसने। अभी आप सोचिए आपका कोई ऐसा पेड़ है जो छोटा मोटा पेड़ है उसमें कोई काम करे कोई फल ही नहीं, तो आप क्या बहुत खर्चा करके दीवार बनाएगा, क्यों ना आपने इसको फल दीवार रह के क्या फायदा ना करे। सेम थिंग है हमारे लाइफ, बहुत सारे में फ्रूटलेस लाइफ, यू नो व्हाट इज दैट, फल। पहला आराधना के बिना जीवन, नंबर टू क्या जीवन है, फल बिना जीवन, क्या जीवन है, हम हर दिन प्रभु के लिए क्या देना है, फल देता हमें, प्रतिदिन प्रभु लागे रखे हमारे की देता है, फल देता हमें, फ्रूट भी देना है। तो मैं प्रभु के लिए बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा हूँ, बहुत फल दे रहे हैं, हर दिन मैं सोना का अंडा दे रहा हूं तो आप मेरा मुझे बाहर छोड़ेगा, अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर का क्यों इतना एस्कॉर्ट क्यों है, जी प्लस एक्सर क्यों है, व्हाई, बिकॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, वो फल देने वाला है, क्यों हमारे देश को वो क्या करता है, तो उसका चारों तरफ क्या है, बॉडी गार्ड है जिसको उसका प्राण को रक्षा करने के लिए, हमारा क्या नाम, यू अंडरस्टैंड मी, हमारे दीदी ममता दीदी क्या है, हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल राज्य का वो सेवा कर रही है, उसका लाइफ फल देने के जीवन है, इसलिए बॉडी गार्ड क्या करता है उसको सेव कर। सेम भी आप और हम इस धरती में अच्छा फल देते हैं हर दिन, प्रभु हमारा चारों तो दीवार बना के रखेंगे नहीं, प्रोटेक्ट करेंगे नहीं, हानि होने देगा प्रभु नहीं देगा, क्योंकि इसका अंदर दामी फल है भाई, पता नहीं गुस्सा मत, पर आप ही देख रहे हैं आप कोई फल ही नहीं देते, बेकार जीवन, सकाले उठे पार्टी आप सामने बोशे बैठे, हम नहीं
नहीं अगेंस्ट किस कोई पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, बट लाइफ में एक लक्ष्य तो होना है भाई। अगर ऐसा करो सुबह उठकर रात तक वहां बैठे रहेगा मैं की मारेगा। अनेक लोग सकाले उठकर रात्रि तक हमें काज करछी कोना काज को रखना, बट तुम कोई फल अटलीस्ट एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बोलो वो भी नहीं करेगा। इस धरती में रहना कोई कारण क्या है पता नहीं, अभी प्रभु क्या करेगा? तुमको चारों तरफ दीवार बन के रखेगा? प्रभु क्या करेगा आस्ते आस्ते दीवार को क्या करेगा? छोड़ेगी ध्यान से सुनिए, अभी दीवार छोड़ेंगे अभी क्या होगा? दीवार खुल गया अभी क्या कौन आएगा अंदर? ध्यान से कौन अंदर आएगा? शत्रु घुसेगा अंदर, जानवर घुसेगा अंदर, खराब जानवर घुसेगा वो क्या करेगा? पूरा मैदान के क्या करेगा? आज बहुत सारे लाइफ को बर्बाद करके रह गए से, आज कतो परिवार शांति थे आज से कितना परिवार शांति में घूम रहे, पर आज करेंगे प्रभु मेरा कारण है आज मेरा दीवार टूटा हुआ है क्योंकि मैं प्रभु के लिए क्या नहीं दे पाया, क्या नहीं दे पाया? फल नहीं दे पाया। आप चाहते हैं मेरा प्रभु हर दिन फल देने के लिए आते हैं? अरे मैं बाइबल कहते हैं प्रभु को खिदा खिदे प्रभु खिदा पाए प्रभु अपने कच्चे की नहीं दे। तुम्हारा नाम की রোহিত তুমি এই প্রতিবিধে যখন রয়েছো তুমি আমার জন্য কি দাও? গিভ মি ফ্রুট, গিভ মি ফল। প্রভু যখন দেখতে হয় তুমি ফল কে বিনা জীবন ও কি করতে, কি করতে দিওয়াল কো খুল কে দিতে। আজ মেনি টাইমস খুদা মত জব আপকে পাস আতে হ্যায় আপ লোগ উসকো দেনে কে লিয়ে ফল নেই। আব বলে পাস্টর হম ক্যা ফল দে সকতে? টু ফল হ্যায় দো, এক बहुत सारे का नाम फल देते हैं लेकिन फल में क्या नहीं है? मिष्टि कोतर आम के जना आम शीशा ना श्याम हमको बाला लगे दूध में आम आ चले नीचे पे के आम हो है अपने आप को खुद पकते हैं वो आम का टेस्ट अलग है जो आप लेके एक छिड़के रखते हैं उसमें क्या है अलग टेस्ट आता है। कभी टेस्ट करेगी नंबर वन क्या है? खुद पकते है मतलब अभी तो मतलब चर्चेशु क्रोधित बार चर्चेशु ये चर्चे हमारी इच्छा नहीं हमें बार बार एक बोले बोले की गई ये इच्छा ना चले चर्चेशु बैठे की नहीं। अरे अभी तुम्हारे पता कौन देख लेगा मैं एग्जाम तो अभी ये चर्च में आ रहे खुद नहीं पकते है कोई तक्का बेकी देखे बंद समझे चर्चा अस्त पर चलो चर्चा आसपे बरबर आराधना करते बोलते आसपे ना कि आसि जोर जबरदस्ती को आसे तो फेके जा नहीं टेस्ट किंतु टॉक हमारे की नहीं तो प्रभु फल काचे प्रभु खाल पल को खा रहे लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है स्वाद नहीं है मिठे नहीं है। आज बहुत सारे लोग प्रभु को बोल देते हैं लोग के बारे में प्रभु के बारे में लोग को बोलते हैं बार यीशु के पास आओ बार चर्चे शो बार ये करो वो करो हम लोग करते हैं लेकिन हम लोग खुद से नहीं करना मानते कोई धक्का। प्रभु जब देखते तुम्हें फॉल दीजिए तुम्हारे फॉल बेसि कहते ठॉक छोड़े रखो। आज प्रभु चाहते खुद हम लोग अच्छे इच्छा से फल दे। हालेलुया आज कहते करेंगे आई टेल यू एक जन इस संसार में जिएगा 80 साल जिएगा कितना साल जिएगा 80 इयर्स अगर आप जिएगा 80 इनटू 365 टोटल कितना है 29 एक इंसान इस धरती में जी रहा है कितना साल? कुछ सिग्नल दे दिया भाई
उसका टोटल आयु का दिन कितना है? 29,200 दिन। अभी भाई अपना वयस को तो तो आज का लड़का, कल एक लड़का का देख रहा था, उसका उम्र कितना है? 14 साल। कड़ा है सर। अंबानी में पढ़ रहा था, कौन है कमर में ऐसा हाथ रखता है जो प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट उम्र कमर में हाथ है, उसे उससे तकलीफ होती है। चर्च में बहुत सारे स्त्री लोग प्रेग्नेंट है, ये हाथ ताली हो जा रहे हैं। हाँ, 1, 2, 3, 4 विमन कितना है? 4 भाई। आप यदि बोले पास्टर के लिए बोलो तो ये सरप्राइज है। आमीन। एनीवे, ये 4 बहन को छोड़ के और कहीं कमर में? हाँ, आज यंग लड़का लोग को शक्ति नहीं है। कल मेरा पापा बोल रहा था, अब बोल रहा था आप सुनिए, अब थोड़ा कलकत्ता आइए। बोले आग नहीं, अब बोलता अब कोरोना आने के बाद मेरा शरीर में क्या नहीं, उठ के मैं चलता। उम्र तो ज्यादा नहीं, आप उम्र बोले सब तक जाए, उम्र दे मेरी कम उम्र है, 60 ईयर्स के नीचे है, पर उसका शक्ति वो चलने ज्यादा नहीं चल पाए। तुम 14,000 days already, अभी बाकी कितना दिन? 15,000 दिन बाकी है। कितना दिन बाकी है? 15,000 बाकी है। इस 15,000 में कितना दिन तुम एक लड़का का जैसे दौड़ सकते हैं? उसके बाद जो थोड़ा टाइम है मैं प्रभु के लिए फल दे, कितना दिन में दौड़ सकते हैं? अटलीस्ट कुछ प्रभु के लिए करके जाए। मैं बोल रहा था तुम 1 रुपया नहीं भी लेके जाएगा, तुम जब मरा जाबे एकटा किछु निये जाबे। हमारे प्रिय भाई उन्हें आंगूठे पड़े, आपने आंगूठे पड़े चल तो कत पड़े दो पड़े तीन मानुष जो शेष हो जाए हमारे हाथे पाठिए देवे बोलते एक आंगूठी ना के हाथे पाके दी चले जाए देगा कभी नहीं देगा सब आगे से वो बोलेगा एक आमी दो ये बोले एक आमा आमा हाथ है तू सब मेकअप होकर पहन के बैठा रहेगा हमारे एक बार हाँ हम जानते तो कब्रस्तान में कब्र में जाने के पहले इन लोग में पार्ट बिल्कुल कवर हो जाता है क्योंकि फोटोग्राफ में अच्छा रहना है पिक्चर आजकल सब ड्रामा हो गया मेरा नाम मेरा दीदा मेरा क्या गया पिताजी का माँ उसका नाम क्या दादी उसका सासुड़ी मारने घर गया अंगो बोल के जा रहे सुनो अमुआ जाके दो चिल्ला चिल्ले सब करेगा लेकिन तुम चिंता मत करा किस करेगा आएगा या आपको बोल के लेके जा मुआ जाके उसके देख कर लिया उसके बाद आराम से हम जस्ट किया ना उसे लोग खराब सोचेगा हम नहीं कर रहे उसका मन पत्थर जैसा लगते है
यू सी पीपल, समझ में आ रही है? इस धरती में तुम मरने के समय में तुम्हारे लिए सच में रोया गया कि नहीं कोई पता नहीं, इस धरती में तुम प्रभु के लिए कुछ करके जाओ। तुम जब कष्ट में रहेगा एटलीस्ट तुम्हारे लिए एक जन तो आएगा, वो प्रभु आएगा। पहले जब लाजरस को प्रभु प्यार किया, वो जब बीमार में था कौन आया? वो मर गया तभी भी कौन आया? प्रभु आया। और तो उसके लिए कौन रोया? यीशु रोया। हालेलुया। कौन उसके लिए रोया और उसको उठाने के लिए कौन था? आज के दिन मेरे लिए प्रभु तो रहेगा, मैं प्रभु के लिए फल देगा, एटलीस्ट मेरे लिए कौन रहेगा? मेरा परमेश्वर रहेगा। गौर अंदर से जाने से भी प्रभु मुझे हाथ पकड़ के उठाएगा। तुम्हारे जीवन क्या जीवन हो पाए? फल देने के जीवन। फल रहने से मेरा चारों तरफ क्या है? सुरक्षा है, दीवार है। अमें? अभी नंबर थ्री, अभी क्या है नंबर थ्री? आई वॉन्ट द वॉलंटियर्स नेक्स्ट टाइम। आप लोग जब नीचे से लोग को चेक करके भेजेगा, कैन यू प्लीज टेल देम टू बी कैरी, आप लोग पूछना है आप लोग को ये क्या है, एक बार थोड़ा उन लोग नहीं पता है, बट एक बार आप लोग पूछ रहे हैं, सुनो हेल्प हो जाए, ठीक है? नहीं थोड़ा हेल्प करना नेक्स्ट टाइम्स। अभी नंबर थ्री लास्ट जो है, पहला क्या है? टूटा हुआ। अब नीचे इसलिए आपको समझा के ना है, मेरी न्यू पीपल है, हम जैसा पहले सर्विसेस में किया अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सर नया लोग है, क्योंकि आप लोग को समझाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जस्ट आपके पास आके आपको समझा रहे। नंबर वन टूटा हुआ बेदी, नंबर टू टूटा हुआ दीवार, अभी नंबर थ्री जो है टूटा हुआ मंदिर, टूटा हुआ मंदिर। मैं देख लीजिए मंदिर के अंदर किसका रस है? मंदिर कार्य जो है ईश्वर, मंदिर कार्य जो है, तो आप जानते हैं मंदिर के अंदर कौन रहे? ईश्वर है। तो ईश्वर जब रहते हैं, ईश्वर के लिए क्या स्थान आप देते हैं? कैसा रहना चाहते? शुद्ध क्लीन साफ जगह, खुदा अच्छा जगह करेगा। बट आप ही देख लीजिए, आप आपके घर में जो कि जिंदा एक ईश्वर को रखा है, बट आप बहुत कचरा से डाल दिया मंदिर का, वो ईश्वर रहेगा क्या करेगा? उठा के चले जाएगा, उठ के चले जाएगा। तो जो ईश्वर में मंदिर नहीं है, जो मंदिर में ईश्वर नहीं है, उस मंदिर रह के क्या फायदा है? मंदिर क्या किया जाए? थोड़ जाते हैं, समझ में आएगी। आज मेरा ये मेरा मंदिर है, ये मेरा, इसके अंदर कौन रहना है? खुदा रहना है, समझ में आएगी। इस मंदिर का अंदर शुद्ध नहीं है, क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। बाहर बाहर पेंट है, मेकअप है, सब ब्यूटीफुल सब किया है, पर अंदर कचरा से भरा हुआ है। बाय बाय से पार नहीं करेगा यार, बाय बाय से हिंसा झगड़ा, समझ में आएगी, अशांति, झूठ, गलत व्यभिचार, सब कुछ खराब अंदर है। अभी तुम अंदर किसको रखना चाहते हो? शुद्ध ईश्वर को रखना चाहते हैं। वो कभी रहेगा? उस मंदिर टूटा हुआ मंदिर रहेगा। हमारे तरह समझ में आएगा। हम बोलते हैं तू अशुद्धता से अशुद्ध शुद्ध कभी एक साथ जाएगा? कभी नहीं जाएगा, समझ में आएगा। अपने शुद्ध ईश्वर को शुद्ध के रखते पाए। अगर आप अच्छा ईश्वर आपके अंदर रहना है तो जीवन को क्या रहना है? शुद्ध तो रखना है। कितने देर बोलते आप, मैं इसको घर में बुलाया, आज बुलाया अपने आशुर हमारे गौरव अपना जो है। रात्रि हम जब शराब पीते हैं, मतलब हम एक रात्रि एक तो शराब पीते, हमें जाने ना की भूल करे जी, हम इसको लाती मार के फट बाहर जाओ, ये बाहर चले गए। कल के हमारे पागल माता की हो गया, सुबह सोए बोल आ गया, अभी बोला अरे हमें काफी बंद कर दिए, कल भूल के लम, कल बीड़ी के लम, सिगरेट खाया, भूल हमने मत खाया, हम ईश्वर को बाहर कर दिया, खराब कर दिया, क्षमा मांग रहे प्लीज आ जाओ आज। आज भी उसको लेके आया जो पाप हम नहीं करेंगे सोचा, आज भी वही गलती किया, समझ में आ रही नहीं? तो तुम बार बार ईश्वर को बुलाएगा, बार बार उसको क्या करेगा? तो कितना दिन वो बर्दाश्त करेगा? कौन सा बात तू भी तुम्हारे मंदिर रखो, हम ही की करो, प्रभु निकल जाते हैं उससे। तो तुम्हारे अंदर अभी कौन नहीं है? तो मद का भी सिगरेट का भी थोड़ा समय मन अच्छा लगता है,
अभी सब ठीक चलेगा, अभी नशा चलेगा, तुम्हारा अंदर क्या नहीं है? एंटी घर है, टूटा हुआ मंदिर है, जहां जिस घर के अंदर ईश्वर नहीं है उस मंदिर में कोई दाम नहीं है। समझ में आ गया? राइट। अरे तुम्हारा अंदर ईश्वर नहीं है, तुम्हारा कोई फायदा है? तुम्हारे जीवन में शांति है, आशीष है? आज प्रभु कह रहे हैं तुम मंदिर को फिर बनाओ। कैसा बनाओ? मुझे बड़ा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा लाइट चाइना, गंडी चाइना, मोमबत्ती चाइना, क्या है उसके क्या बोले, धूप कट्टी चाइना, फूल माला हो चाइना, तुम्हें भीतर साफ सुथरा तो रखो। क्या रखो? आज आपने साफ सुथरा कहां रहते हैं? अरे साफ सुथरा कहां रहते हैं? बाहर साफ सुथरा रहेगी, प्रतिदिन जल चढ़ाए, बालों फूल माला सब गिरा, अंदर तो कचरा तो अंदर पड़ा हुआ है, तुम्हें अंदर साफ करने की व्यवस्था नहीं कर रहे। आज खुदा कह रहे हैं तुम अंदर साफ सुथरा कर, हम अंदर आके बैठेंगे। हालेलुया। ईश्वर जब अंदर ऐसे बोशे ताकि तुम्हारे जीवन कैरम होगी। अरे तुम्हारे भीतर फील करोगे हमार मंदिर एक ही आचे, हमारे एक का नहीं, हमारे ईश्वर हमारे संगे आचे। अमें अमी मंदिर, हमार भीतर ईश्वर, अमें जिकर जाए के जाए ईश्वर हमारे संगे जाए। अमें हम रात्रि एकला जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है, लेकिन मैं जानता मेरा मंदिर के अंदर कौन है? ईश्वर है। अमें मैं कहीं भी जाता हूं मुझे रसन ईश्वर है, मेरे अंदर जय होगा कि नहीं होगा? कितने देर समझ पाएंगे? आज कितने देर करेंगे पास्टर? मंदिर के सामने की आज तुम्हारा मंदिर को फिर बनाना चाहते हैं ईश्वर। बाइबल कहते हैं पहला कुरिन्थियों को, ये वचन पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उनका 3 अध्याय उनका 16, पहला कुरिन्थियों 3:16 फटाफट, प्रथम कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यदि परमेश्वर का मंदिर को तुम नष्ट करेगा, वो भी तुम्हें नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। तुम है और तुम क्या है? पवित्र है। और एक बीड़ी कवर पता लिख रहे मत का बार पता रहे बोले तुम पवित्र नहीं रहेगा प्रभु तुमको नष्ट करेगा। आमेन। ये मंदिर के नष्ट करो हमारा अधिकार नहीं, एटा कार मंदिर ईश्वर के मंदिर। आज कितना करेंगे पास्टर? एक रूपांतर मुझे किसके लिए चाहिए? अभी आप बोलिए आपको क्या घर में रूपांतर चाहिए ना फाउंडेशन में रूपांतर चाहिए? किसमें रूपांतर चाहिए? मेरा आराधना में कि जिसमें जीवन आएगा, मेरा फल देना है उसमें क्या सुरक्षा रहेगा, और साफ रहना है जिसमें उदाई अंदर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट है? समझ में आएगा? यू अंडरस्टूड अ सिंपल मैसेज? कितना करें मेरा अंदर साफ करना पास्टर जी, कितना करें आज सब नफरत को बाहर करें, झूठ को गलत करें, पाप को बाहर भेजें, शुद्ध करें। आज अंदर किसको बुलाएंगे? किस यीशु को बुलाएंगे? आई टेल यू बिलीवर, आप बोले पास्टर आपने एटा तो चर्च अपना फर्स्ट टाइम चर्च चेसे जे ना, आपने एटा चर्च ना हॉल सिनेमा हॉल एक ही मने छे ना डिस्को लाइट आ छे, लेकिन ईश्वर को पता है, भगवान को पता है, ये है ईश्वर को पता है किछु तो देखता पड़े राइट। आई ईश्वर के यदि हमें बाहर रहने की भीतर की है, हमें ईश्वर का बाहर रहने के लिए ईश्वर को पता रहने की है। ये नाम धन्य है। हालेलुया हालेलुया। Somebody say amen। कल हमारे भीतर कोनो मरा हुआ ईश्वर नहीं, जिंदा ईश्वर में रहता है। समझ मारे कि नहीं? यू अंडरस्टैंड करे? আমি একটা মূর্তি বানিয়েছি, আমি নিজে হাতে বানিয়েছি, ওটা কি আমি ভিতরে ঢোকাতে পারি? তার কোনো দাম নেই। আমি একটা মূর্তি বানিয়ে এখানে রেখে দেব, ও কিছুদিন পরে ময়লা হয়ে যাবে কিনা, হ্যাঁ কি না বলি না, আমরা কে রেখে দেব কিছুদিন ও ভি খুদ খারাপ হয়ে যাবে। মেরা আন্দর ऐसे কি ঈশ্বর है जो कभी अशुद्ध नहीं होते है, वो शुद्ध ही रहे। हालेलुया। मैं शुद्ध के ईश्वर का अंदर रहता हूँ। तो आप यहाँ आएंगे चर्च में, हाँ चर्च में है लेकिन ईश्वर का हमारा अंदर है। हम चर्च में क्या पास्टर बोला था ईश्वर कहाँ रहते हैं? तुम मंदिर है, तुम्हारा अंदर ईश्वर है। तो आज तुम जहां भी जाएगा कौन है? तुम चर्च है, तुम्हें जगह जा रहे, तुम्हें मंदिर, और तुम्हारे मंदिर भीतर खेल रहे थे। हर दिन सुबह उठ के क्या करो? फूल चढ़ाओ, कहाँ? मंदिर के अंदर, पानी से शुद्ध करो। Amen?
नारकल मारो, नारकल मतलब क्या है समझे, नारकल मतलब अवर हृदय, हृदय में और एक बाजे जिनिस पे छे ओटा बेर करो मारो बेने दाओ इतर तक के सारा के चीज जोल बेरा है चोकर जोले बेरा है आमेन दुख कटी चला प्रतिदिन बालो सुगंध ईश्वर के इतर तक के दे आमेन हमार पोता पत्र दुख कटी हमार प्रार्थना दुख कटी तो मेरा है लोग सुनने से बोलेगा वाह क्या ब्यूटीफुल है सब अंदर से आ जाए तुम्हारे अंदर एक तृप्त रहेगा आशीष रहेगा करेगा कि यस सर नो आइए वाइट टाइम देख लिया हम कदम करेंगे सब उठे खड़े हो जाए हमें सभी उठे दाड़े हमारे प्रभु का जब प्रार्थना करें आशीष नंबर शमाय लेट्स प्रे एंड फिनिश इट हालेलुया सभी अपना हाथ तक उठाए परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें हालेलुया उड़ा वाला वा शखरा वाला बौड़ी अंदर है सभी अपना बाजू रखे परमेश्वर से प्रार्थना करें आज सुबह में कितना देर करेंगे प्रभु मेरे अंदर एक परिवर्तन आज सुबह उड़ा वाला वा शखरा वाला बौड़ी अंदर है दीवार नहीं है तो क्या नहीं है, फल नहीं देने से क्या नहीं है दीवार, मंदिर नहीं रहने से क्या नहीं है ईश्वरी नहीं है। अभी बाड़ी तो दामी एक मंदिर बनिए पंद्रह लाख को मंदिर बने ईश्वर तो कर लेंगे हमारे भीतर ईश्वर नहीं की लाता है। हम सोना चांदी से ईश्वर का बना सकते घर में रख सकते बट उसी में कोई दाम मेरे अंदर नहीं है। ईश्वर का रखना है कहां रखना है, मेरे अंदर रखना है। शांति मेरे घर के लिए जरूरत नहीं है, मेरे जीवन के लिए जरूरत है। अमें हालेलुया कितने समझ मारेंगे अपना हाथ ऊपर बोले हो उरी वाला 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 वश श्री अंदर है उरा वाला वश खरा वाला बोलिया ओ जीसस ने हालेलुया उरा वाला वश खरा वाला बोलिया अपना हाथ ऊपर उठाए Yeah.
इंपॉर्टेंट है पास्टर, मेरे लिए दीवाल इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मंदिर इंपॉर्टेंट है। और एक बार बोलो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल्टर, दीवार, मंदिर, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा फोकस वेदी मुझे जीवन लेके आता है, फल सुरक्षा कर लेके आते हैं, पवित्रता मंदिर को बचा कर रखते हैं, एक शुद्ध मंदिर। आज दुनिया में क्या है, पहले पहले 50 साल के पहले लड़का लड़के एक साथ जी रहा था, 50 साल के साथ लड़का लड़के एक साथ जीता था, होमोसेक्सुअलिटी, गे मैरिज नहीं था। आज कहां हो रहे दुनिया, लड़का लड़का शादी, लड़की लड़की शादी, दुनिया कहां जा रहे, पवित्रता आस्ते आस्ते कदम हो जा रहे। आज परमेश्वर ऊपर बैठ के रो रहे हैं, मेरे मंदिर को सब तोड़ के नष्ट कर रहे हैं, लेकिन आज आपको देख के प्रभु कह रहे हैं तुम मंदिर को शुद्ध करो, मैं तुम्हारा वास कर सकते हैं। आप देख ले मेरा सारे दुनिया किसका, ईश्वर का है, बट प्रभु आपके अंदर रहना चाहते हैं, आप वो मेरे अंदर रहना चाहते हैं, क्या खुदा को मेरे जीवन नहीं देंगे? तुम इतना बड़ा सोना चांदी प्रभु के लिए देने के लिए रेडी है, तुम्हारा अंदर जीवन नहीं देगा? ईश्वर जो है अनेक महल बनिए दीते रेडी, प्रभु अवश्य चाहिए ना, तुम्हें तुम्हारा अंदर आगे दीबे, ये अंदर जीवन देगा? अगर आप उन्हें हाँ प्रभु हम देंगे, ये जीवन तुम्हारा जो है, ये जीवन कार जो है आपके लिए, आप मेरे अंदर राजे के लिए, ये मेरा मन, ये आपका मंदिर है, आपके बिना ये जीवन किसका है? तो कोई लड़की को इसके अंदर बसाओ वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये लड़की का रहने का मंदिर नहीं है। आमीन। एक और कोई इंसान को बैठाने की जगह नहीं है, वो धोखा देकर भाग जाएगा। ईश्वर को जहां बैठाना है वहां ईश्वर का बैठा दो, वो बाकी सब चीज सही जगह में बैठा देगा। समझ पा रही है? तुम्हें ईश्वर के ठीक जगह बसिए लाओ, बाकी सब जगह वो सब चीज को बैठा देगा। आज की तरह करें प्रभु मेरे अंदर ईश्वर को बैठा देना चाहता हूं। आज तक आप यीशु के लिए अपना जीवन नहीं दिया, आज जीवन यीशु जी ने नहीं दिया, आज यीशु की चर्चा से प्रार्थना कैसे है भाई? आपसे प्रभु और कुछ नहीं चाह रहे, सिर्फ आपसे मांग रहे कि हम मेरे लिए रहने के लिए तुम्हारा मंदिर देगा, हमें तुम्हारा सोना दाना की चाहना, प्रभु तुम्हें तुम्हारी मौन क्या मांग दिया, ये मौन मंदिर के तुम्हें हमने मोयला करे रख दिए, क्योंकि हमें शुद्ध करते पाए, हमें शुद्ध करे हमें भीतर ताकते पाए, क्या बोलते प्रभु ये मंदिर में आम रही है। अगर आप बोलते पास्टर ये मंदिर प्रभु का है, इस मंदिर में प्रभु रहेगा, इस मंदिर में प्रभु रहने से मेरे जीवन शांति है, I want you to lift your hand, आपका दाहिना हाथ को उठाइए। अगर आप बोलते हैं ये मंदिर यीशु का है, हमें यीशु के मंदिर में तेरे बसा लो, अपना हाथ के ऊपर तुम विश्वास है, हमें यस और यस, अपना हाथ को उठाइए, बोले यीशु comfort. Hallelujah.
इस मंदिर में वो राज्य है। हालेलुया प्रभु, प्रार्थना करता हूं चित्र दिन आपको बहुत प्यारा, सभी के लिए तेरा हाथों में समर्पण करता हूं। आशीर्वाद कीजिए प्रभु, आपने हमसे बातें किया, आपका वचन बहुत स्ट्रांगली हमारे बीच में आया, सिर धन्यवाद, आपने हमारे अंदर जीवन को दिया, धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, जब इस स्थान से घर जा रहे आपका निग्रह हाथ हमारे संग रहे, हमारे आने जाने में यात्रा में गाड़ी चलाने में बिजनेस में पढ़ाई में सेवा में सारा सब हमारे संग रहे, हर दुर्घटना से एक्सीडेंट से महामारी से मृत्यु से शत्रु का आश्रय रक्षक है प्रभु। प्रार्थना करते आज सारा दिन तेरा अनुग्रह का हाथ, हालेलुया ओ रब शखर वाला बोला रब वाला मशंदरे, तेरा अनुग्रह का हाथ हमारे संग रहने के लिए प्रार्थना करते, ओ प्रभु आशीर्वाद कीजिए, सारे आदर महिमा प्रभु जब आपको देते हैं प्रभु जी, सत्ता पूरा हमारे संग रही है परमेश्वर, हर एक्सीडेंट से महामारी से मृत्यु से शत्रु का आश्रय रक्षक है, आई वे सभी का आशीष कीजिए प्रभु, सुरक्षा करके जाने के से रहेंगे, आज के बाकी सर्विसेज भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुंदर ग्रहण कीजिए हमारे पिता, आमीन आमीन। अभी वंदन संदेश करेंगे परमेश्वर पिता का, फिर पवित्र आत्मा के सौभाग्य से हर विश्वास के साथ सदा सर्वदा होते रहे, हम सभी कहेंगे आमीन आमीन आमीन। एक मिनट हम लोग जहां भी है एक मिनट रहेंगे, देयर इज अ टेस्टिमनी, देयर इज अ टेस्टिमनी वी हियर, प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं वहां का, जस्ट जस्ट कपल ऑफ मिनट्स गो अहेड। सभी को जय मसीह की, हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम मैं और मेरा फैमिली पिछली थी कि हम लोग हमारे घर गए थे उड़ीसा गए थे कुछ काम की वजह से, हम लोग घर का काम पेंडिंग था पिछले 8 साल से, वो नहीं हो रहा था वो घर, हम लोग उस पर वो हम लोग जब मेरे पापा जिंदा थे तब से ही पापा ने प्रॉपर्टी खरीदा था, लेकिन हम उस पर घर नहीं बना पाए और उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो हम पैसे देके हम कोशिश कर रहे थे कि वो जगह को हम बेच दे, बट वो नहीं हो पा रहा, बहुत वेट किया उसको, हम लोग को 8 साल लगा, लेकिन जैसे कि इस साल का वादा था ईयर ऑफ साइंस एंड वंडर्स, इस साल के सेकेंड महीने से ही हम मैं जब इस बार गया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आई, लेकिन प्रभु की दया से हर एक चीज सही से हो गया और वो जगह तो भी हम बेच के हर एक चीज परमेश्वर ने हर एक चीजों के ऊपर हम लोग को जय दिया, मुझे और मेरे परिवार को, और हम विश्वास भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु बहुत सारे ऐसे रास्तों को खोलने जा रहे हैं, क्योंकि आई रिमेम्बर जब आई थिंक सो फर्स्ट जो जनवरी मेरे घर में जब मीटिंग हो रहा था, पास्टर जी ने एक चीज बोला था कि तुम्हारे हर एक रास्तों को प्रभु खोलने जा रहे हैं, डोर्स विल बी ओपन फॉर यू, तो हमें विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा भी परमेश्वर मेरे और मेरे परिवार के लिए डोर्स को खोलने जा रहे हैं, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मंदिर का प्रभु जब जाएगा, ये लोग मंदिर का बाहर, प्रभु का कहाँ रहता था, मंदिर का बाहर कोई काम नहीं हुआ, बट मंदिर के अंदर प्रभु आया, प्रभु काम किया, यस वे सचमुच प्रभु अद्भुत है, जब हम जो दिन के बॉस में बैठा है उस दिन मेरा केवल प्रार्थना था, रात को मैं ऊपर सीट लिया था, मैं फोन रखा, वो पास्टर ने बोला मैंने उस दिन क्या प्रॉब्लम था, मैंने जो चीज हाथ में है जो मैंने जिसके लिए मन कामना करेगी वो उनको मिल जाएगा, सचमुच मैं खुदा को बोल रही हूँ, मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं था, मैं बहुत दुखी था, कैसे उनको मांगेगी कि बड़ा बेटे को मांगेगी, तो इतना पैसा खर्च कर दिया, कुछ नहीं था, मेरा बॉस ने मात्र 150 रुपया था, तो बोले कैसे उड़ीसा लेगी उसको जाएगी, पास्टर जी बोला सब उठा उठा के बोलो, मैं क्या उस टाइम में मैंने पर्स को टेक के बोला बोला प्रभु मेरा पर्स को भरपूर करना, सचमुच उड़ीसा में मेरा पर्स भरपूर हो गया, खुदा को लाख लाख शुक्रिया। कितने दिन की याद है उस रात में मैंने कहा था जो चीज तुम हाथ में पकड़ेगा वो बरेगा,
बहुत सारे लोग पर्स का हाथ में लिए, बोले वो भी बस में जा रहे थे रात को, वो पर्स का हाथ में दिए जिस पर्स में 150 रुपया है था, और आज बोल रहे उस पर्स भर गया है। प्रभु के धन्यवाद, आमेन, प्रभु महान है, हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद, प्रभु काम करते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, प्रभु आपका आशीष करते, लोग नया है आपसे मिलेंगे, प्रभु आपका आशीष करें, जय मसीह की।